हाथ में लाओ। कादर मतलब की बात करो। देखो भाई, इस धंधे में आपस में झगड़ा करना अच्छा नहीं है। आपस में बैठ के बात कर लेते हैं, फैसला हो जाएगा। नाइक भाई, मैं जिन्ना भाई को सपोर्ट करके बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ फैक्ट बता रहा हूँ। तुम चिंता मत करो, ये धंधा जिन्ना भाई का है। चुप साला। कादर, मैं इस मीटिंग में क्यों आया हूँ पता है? फाइनली ये बात अपने दिमाग में डाल लो, जिन्ना से मेरा कोई कॉन्टेक्ट नहीं है। तुम लोगों को जो करना है कर लो। नाइक भाई, ये अच्छा नहीं है। नाइक भाई को धमकी देता है, खुद जाकर तुम मुंबई में छुप जाते हो, इधर मुझे डरा रहे हो। वो मर्द रहेगा तो बच्चों को नहीं भेजेगा, खुद आना होगा उसे। ए, जिन्ना भाई आ रहा तो तुम सब लोगों की वाट लगा देगा। अच्छा? ए! भाई, पुलिस! अभी घोड़ा मत चलाओ, सबसे पहले पुलिस से बचने की कोशिश करो। भागो! Shit! रवि छोड़ दे, जिन्ना भाई के भाई को अगर वो मर गया तो वो हम लोगों को छोड़ेगा नहीं। कुछ चाहिए तो मुझसे ले लो, मैं उसे सेट करता हूँ। भैया छोड़ दो उसे। क्या मुन्ना, मैं सेट करने वाला था ना, क्यों शूट किया? असल में तुझे शूट करना चाहिए, यहाँ पर पुलिस कैसे आई बोल? डिपार्टमेंट में सब मेरे जैसे हैं क्या? इस जैसे काम करने वाले भी हैं, मैं देख लेता हूँ। तुम जाओ 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 जाओ। ए, ए, मुन्ना भाई, जिन्ना भाई को नमस्ते कहना। मार डाला इसे, मार डाला, देखो मार डाला। छोड़ूंगा नहीं मैं उसे, छोड़ूंगा नहीं। रेडियो मिर्ची 98.3 FM, तो हम आ गए हैं। गुड मॉर्निंग हैदराबाद, आप सुन रहे हैं हेलो हैदराबाद। देखो सुबह राव है, मैं बालकृष्णन सर। तू बालकृष्णन तो मैं चिरंजीवी। देख पा रहा, प्रोग्राम स्टार्ट करो। है, मेरे प्रोग्राम का भी टाइम है, आप टेंशन मत लीजिए सर। ये बहुत ओवर हो रहा है गुरु। ब्रेकफास्ट में जैम ब्रेड खाते हुए, रेडियो मिर्ची सुनते हुए, ट्रैफिक जैम में फंसे हुए हॉट हैदराबाद की मधुमती बता रही है ट्रैफिक टिप। ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन क्या है? पंजाबुटा में ट्रैफिक जाम है सर, और मैं कल की बात कर रही हूँ सर। कल भी यही बात कही थी, लेकिन सर मैं और क्या कर सकती हूँ। क्यों बेटी, मनी मन में क्यों हंस रही हो? प्रोग्राम में जिसने फोन किया था उसकी ओवर एक्टिंग याद करके मैं हंस रही हूँ पिताजी। इतनी तकलीफ हो रही है तो कोई दूसरा जॉब ढूंढ लो। कोई भी जॉब हो, मुश्किलें तो आएंगी ही ना। कोई भी जॉब कर लूँ, यही होने वाला है पिताजी। लड़की चेता कौन है आप? सीआईए है ये। डीटेल्स चाहिए, अभी देख, आज मैं तुझे डाल ही दूंगा। आपके बाद इसे इंडिया में दिखना नहीं। ए, देख बख्शी जी किसी लड़के को मार रहे हैं, चला देखते हैं। सर जाने दीजिए, चला रख, जल्दी होके छोड़ रहे हैं। सर छोड़ रहे हैं, सर छोड़ दीजिए, सर प्लीज छोड़ दीजिए। अरे रुक जाइए, आज के बाद इस एरिया में दिखा तो पेट्रोल डाल के हाथ में छोड़ा। दुर्गा सर, ड्रेस कहाँ से खरीदा है पूछ लिया, पार्टनर अच्छी मेरे साथ अच्छी लगेगी। इस लड़की को किसी ने देखा तो अंदर डाल दूंगा। आए और आते ही गोबर पर पत्थर क्यों डाला? गलती हो गई सर, मुझे पता नहीं था उसकी लड़की है। ये बात उसे पता चलेगी तो गर्दन मरोड़ देगा। अब मैंने क्या कहा सर? वो लड़की उसकी नहीं है, वो उस लड़की से शादी करने वाला है। ची 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 ची। गांव में हर एक की आंखें अपनी मधु पर है, मेन बात तुम्हारी उम्र है। गुड मॉर्निंग मामा। हाँ गुड मॉर्निंग। वहाँ इलेक्शन में कुत्तों को बचा रहा हूँ, पर बताओ कितने दिन है? इन सब का मुंह बंद करने के लिए हमें जल्दी से शादी कर लेनी चाहिए मधु डार्लिंग। आपका कोर्स अभी बाकी है। कौन सा कोर्स? बदन पर उम्र नहीं दिखनी चाहिए, इसलिए कितनी एक्सरसाइज कर रहा हूँ। मेन मुंह पर झुर्रियाँ नहीं दिखने के लिए एक्सरसाइज करनी कितनी कष्ट भरी है। झुर्रियाँ मिटाने वाली एक्सरसाइज कौन सी है? ऐसा ये देखो, हर आधे घंटे में एक बार करनी चाहिए। ऐसा करने से झुर्रियाँ नहीं आती? नहीं नहीं आएगी। और पुरानी नहीं जाएगी। तो अपना मुँह बंद कर। क्या जिया जी, हाँ छोटे बच्चे हैं क्या आप? हाँ? 10 साल का समझ रहे हैं, लेकिन आप बड़े लोगों को, आपको सिर्फ मधु वर्ष बख्शी का बोर्ड देखना है। ये नहीं रे अभी, ये नहीं वो नहीं, लड़की पढ़ रही है कह के बैंक में गिरवी रखा हूँ, वो लोगों को जवाब दे के मैं मर रहा हूँ, जल्दी से जवाब दीजिए। आप ही ने उन्हें आने के लिए कहा था और पूछने के लिए कहा था। ओह सॉरी सॉरी, यंग ब्लड है ना उसका। आपका दुख मैं समझ रही हूँ मामा जी, 7 फेरे ना, वो तो 7 मिनट में हो जाएंगे,
लेकिन जब तक मैं आपके बारे में ऐसा सोचूंगी ना, लाइफ गुजर चुकी होगी मामा जी। लेकिन जल्दी ही वो फीलिंग मेरे मन की डोरबेल पे बजनी चाहिए। बाय बाय अंकल, बाय बाय। यस सर। बाय मधु। ऐसे क्या देख रहे हैं पिताजी, मेरी सारी मुसीबतों की जड़ वही है, ये जानते हुए भी कैसे हंस सकती हूँ। मैं भी यही जानने के लिए रेडियो चौकी का काम करती हूँ और यहाँ खुद को बचाने के लिए एक्टिंग कर रही हूँ। गुड मॉर्निंग ऑफिसर्स, आई एम ग्लैड टू जॉइनिंग ऑल ऑफ यू, थैंक्स फॉर द फ्लावर्स। आज से हम सब लोग मिलकर काम करने वाले हैं। जिन्ना भाई एक बहुत ही खतरनाक क्रिमिनल है, ये हम सबको पता है, उसके बारे में ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। रिसेंटली जो हमने ऑपरेशन किया उसमें न जाने कितने हमारे ऑफिसर मरे और हम कुछ नहीं कर पाए। रियली इट्स अ डिसग्रेस टू अ डिपार्टमेंट। वो टीम लीडर सीए बख्शी कहाँ है? क्या दुर्गा, ये डीसीपी आते ही मेरे ऊपर चढ़ रहा है, इंक्वायरी कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग सर। मिस्टर बख्शी, उस दिन सबके गन से फुल राउंड बुलेट फायर हुई, आपके गन से एक भी फायर नहीं हुआ, एनी रीजन? हम लोगों के ऑफिसर डायरेक्ट अटैक कर रहे थे, एनी रीजन? मैंने सोचा दूसरी ओर से फायर करके उन लोगों को कंफ्यूज कर दूं सर। जिन्ना भाई बंदा नायक एक ही गैंग का है ना, तो उन दोनों के बीच क्लैश कैसे है? एक बेवकूफ है सर। जिन्ना भाई? ओह वो तो सुपर गोल्ड है सर, मदन नायक बेवकूफ है सर। अभी आपने रास्ता दिखाया तो वो एहसान माने बिना अनदेखा करके जाता है, अगर वो अनदेखा नहीं किया तो खत्म। चिन्ना भाई मदन भाई को यहाँ का अपना सारा बिजनेस सौंप कर मुंबई चला गया, ये रास्कल जिन्ना भाई का ही साथ नहीं दिया, ये कोई बात हुई सर? जिन्ना भाई के लिए आपको बहुत सॉफ्ट करना है। नो 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 सर, मैं चुगलखोर नहीं, शरीफ बख्शी हूँ सर। दुर्गा सर, सर को जरा बताना तो मैं कैसा हूँ। बहुत ही शरीफ है बख्शी जी, लॉ एंड ऑर्डर केस करके लाखों कमाने वाले महान। वो नहीं, वो नहीं सर, वो नहीं। बताता हूँ असल में इन्हें नौकरी की कोई जरूरत नहीं है, इंटायर डिपार्टमेंट प्रॉपर्टी नंबर वन। वो नहीं दुर्गा। हाँ बताता हूँ। हाँ। और अंतरपुर में 20 एकड़ जमीन, ठीक है ना? हाँ सर। मियापुर में 3 माले की बिल्डिंग, और शमशाबाद में 3000 एकड़ जमीन है। इतना ही नहीं सर, जुबली बीच पर बहुत सारी बिल्डिंग और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना? मतलब तुम्हारा बख्शी तो बहुत अमीर है। जी सर। बाल बच्चे हैं क्या? शादी नहीं हुई, स्टिल बैचलर। ओके मिस्टर बख्शी, जरूरत पड़े तो बुलाता हूँ। यू मे लीव। बुरा चाहता है मेरा, बुरा चाहता है तू। सर मेरी बात सुनिए सर, पहले आप उस ऑफिसर को देखिए, देखने में सकते हैं सिर्फ थोड़ा मस्का लगाने की जरूरत है, जिंदगी बदल जाएगी सर। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है, मेरा भविष्य कोई नहीं बदल सकता। ओहो बहुत अच्छे, आपकी लड़की की शादी की घड़ी अब तो सिक्सर पे सिक्सर मारती जा रही है। आपको मालूम है ये सब क्या है? जादू टोना। धूम वन में जॉन अब्राहम, धूम टू में ऋतिक रोशन और धूम थ्री में इससे भी बड़ा कोई आएगा। ऑलरेडी आ गया हूँ। देखा प्रसाद राव जी, मैंने तो ऐसे ही कहा था, आपकी लड़की को देखने लड़के वाले भी आ गए। करेक्ट जी जी, 929 शास्त्री जी के बारे में मैंने भी सुना है, वो जैसा कहते हैं बिल्कुल वैसा ही होता है। थैंक यू। वेलकम। वैसे लड़का क्या करता है? पंजाकुटा पुलिस स्टेशन में सब इंस्पेक्टर की पोस्ट में हूँ। मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, आपके लड़के के बारे में। ये खुद इतने बड़े शनि है, किसी की क्या जरूरत है? शिवा शिवा, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। इमेजिनेशन वाला दूल्हा कहाँ, जॉन अब्राहम और ऋतिक नहीं, ये तो सड़क छाप निकला। शास्त्री जी आप ऐसा मत कहिए, मेरा हाथ देखोगे तो आपका ओपिनियन बदल जाएगा। मैं किसी सड़क छाप का हाथ नहीं देखता। एक बार देखिए ना प्लीज गुरुजी, प्लीज। ची 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 ची, ये मनुस हाथ, अरे इसे देखूंगा ना तो मेरी विद्या भ्रष्ट हो जाएगी। कितने गंदे हाथ है तेरे, अब तक तू जिंदा कैसे है इसी बात का मुझे आश्चर्य है, थोड़ी देर और रुक गया ना तो तेरी दर्दिता मुझे लग जाएगी। गुरुजी गुरुजी सुनिए तो, आप बड़े लोग ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा, ये लड़की मुझे ही मिलेगी। ये कैसे कहा तुमने? खाना चाहता हूँ पर खा नहीं सकता, सोना चाहता हूँ पर सो नहीं सकता, पानी पीना चाहता हूँ पर पी नहीं सकता, इसी को तो प्यार कहते हैं ना? नहीं इसे चिकनगुनिया कहते हैं। इसलिए लड़की को भूल जाओ। मैं इसे नहीं भूल सकता। तुम्हें भूलना ही पड़ेगा, इसी में तुम्हारी भलाई है। जी 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 जी, इसे तो 5 पैसे का ज्योतिष नहीं आता है। रिमेम्बर बेबी, मैंने जैसा कहा है वैसे ही क्वालिटी वाला लड़का तुम्हारा दूल्हा बनेगा, ये नहीं होगा तुम्हारा दूल्हा। ये रास्कल! तुम्हारे भविष्य में शनि ने ऑलरेडी एंट्री कर दी है, वायु वेग से वो चला आ रहा है। वो किस मोड़ पे किस रूप में आके तुझसे टकराएगा वो पता नहीं। ऑटो एयरपोर्ट। ये सब दुबई फ्लाइट से आ रहे हैं? अरे नहीं ये चेन्नई की फ्लाइट है, दुबई की फ्लाइट 2 घंटे बाद आएगी। ओ, ए सीनू भाई, यहाँ पे गलत इन्फॉर्मेशन देता है, मैं क्या फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट में आया?
हटे हट तीनू भाई कैसा है तू भाई हाँ। दुबई की फ्लाइट तो दो घंटे बाद आएगी तुम अभी कैसे आ रहे वो लेट है इसलिए दूसरी बार गया तुम्हें इतना पसीना क्यों निकल रहा है भाई अरे दौड़ते हुए आया था ना दौड़ के क्यों वो देखो क्या है कि मातृभूमि से प्यार है ना इसलिए मेरा भारत महान कहते हुए मैं दौड़ते हुए वहाँ से आ गया यार ऐसा क्या सिगरेट है क्या एक बचा के रखी ना भाई मुझे पता था कि तुमको सिगरेट की जरूरत पड़ेगी ये लो भाई ये बेल्ट दुबई से लाए हो क्या अरे भाई मैं तो एक बात कहना भूल ही गया क्या बात कर रहे हैं वेलकम टू इंडिया अरे डरा दिया बैग ले गया ठीक है डोंट वरी ए कौन हो तुम लोग ए जीजा जी दरवाजा खोल अरे भाई दीदी कैसे हो तुम मैं ठीक हूँ चल अभी आए हो ना नजर उतारती हूँ पहाड़ों की पक्षियों की आजू बाजू वालों की दुबई की अरबियों की थू 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 ए त्रिमूर्ति जरा इसे बाहर फेंक दिया ना अरे बाप रे इतना सोना चलो चलो लगता है सीनू बहुत कमा के आया है दुबई से आया है ना सॉरी दादी मैंने देखा नहीं दिखाई नहीं देता बहुत चढ़ गई है क्या यहाँ आके सेटल हो गए अभी इसका भाई भी आएगा और एक बेवकूफ आ गया है अपने आप को होशियार समझते हो ये क्या दादी जी इस घर में आप ही एक बेवकूफ हो क्या अरे भाई दुबई जाते वक्त तुमने पैसे लिए थे वो लौटा रहे हो ना अरे दुबई से चेक निकल चुका है कभी भी आता ही होगा सच में आ रहे हैं अरे तुम्हें यकीन नहीं होता मैं तुम्हें झूठ बोलूंगा क्या मामा अरे भांजो कैसे हो तू कैसी है तू मामा प्लेन से आए हो अरे बहुत बड़े विमान में आए हो तो टिकट दिखाओ अरे टिकट किस लिए दिखा नहीं इसलिए अरे मैंने भी नहीं देखा यार अरे ये सब करने के लिए मेरा पीए है ना क्या रे सिंह तूने पीए रखा है अरे पीए की बात करती है तू पीए से बहुत बड़ा पूरा पूरा कंप्यूटर सेंटर है मेरे पास और ऑयल बैरल है 180 ऑयल हाउस अरे 180 मैंने बोला अरे त्रिमूर्ति तुम्हें एक बात पता है इसे वाइजाक में कोई भी सीनू करके नहीं बुलाता है क्या कहते थे दुबई सीनू करके बुलाते हैं ए सीनू तुम्हें दुबई जाने के गट कहाँ से आए हमारे गांव के बेरोजगार लोग वहाँ पे जाकर करोड़पति बन गए उसके बाद मैंने भी सोचा कि मैं भी जाऊंगा अच्छा तो निकम्मा था इसलिए वहाँ से आने का डिसाइड किया अरे दादी मां तुम अभी मरी नहीं अरे कमीने मैं क्यों मरने लगी अरे दुबई में बूढ़े हो जाने के बाद पेट्रोल डाल के जला डालते हैं जरूर यहाँ भी होना चाहिए बैग में तो इतना सारा सामान भर के लाया है तुम मर गए करके तुम्हारे लिए कुछ ला रहे ये जो अंगूठी पहनी है वो रोल गोल की है इसे कैसे पता चला क्या रे जीनू कब आया जी चाची नमस्कार क्या दुबई से अचानक आए ये फ्लाइट से उतर के आया है फिर भी अभी दुबई से आने वाली कोई फ्लाइट नहीं है आप पुलिस वाले हो ना इसीलिए सबको चोर की नजर से देखते हैं और वो क्या है कि नया कोर्स करूंगा तो पैसे बढ़ जाएंगे ना दिनाम नहीं दिनाम हाँ वही वही अभी कौन सा कोर्स वो बैग में है देख के बताता हूँ अभी टाइम नहीं है शाम को देख लेता हूँ चलता हूँ आप तो ऐसे ही कहेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा ये क्या रे ताजा खाना देती हो ना ये बासी खाना क्यों खा रहा है खाना नहीं खा के बहुत दिन हो गए अरे ये क्या अरे पिज्जा बर्गर खा के मैं तंग आ चुका हूँ तुम्हें देखकर ये नहीं लग रहा कि पिज्जा खा रहे हो जानवर लग रहे हो जब देखो बात कर माँ जी आप नजर मत लगाओ सीनू कुछ और खाने के लिए लाओ क्या बना देना मुंह धो के खा लो क्या और खाएगा तू दुबई से आया है कि कहीं और से भाग कर आया है दादी जी की आवाज बहुत बढ़ गई है दादाजी कब पर लोग सिधारे महान आदमी थे शादी के 6 महीने में ही चल बसे इतने दिन कैसे जिंदा रहे हो सीनू तुम्हारी अंगूठी बहुत अच्छी थी क्यों निकाल दी इसको हटा के रखा वरना इनकम टैक्स वाले आ जाएंगे ठीक है सीनू सीनू तू जब कोर्स करने जाएगा मैं भी तेरे साथ जाऊंगा उसके पहले एक इम्पोर्टेंट काम है वो क्या सीनू इस लड़की को ढूंढना है ढूंढना है कौन है ये लड़की दुबई की डॉन की बेटी है डॉन की बेटी है इससे तुम्हारा क्या संबंध है लव लव इस लड़की से तू प्यार करता है हाँ वो लड़की भी मुझसे बहुत प्यार ये लड़की भी तुझसे प्यार करती है हाँ कैसे स्टार्ट हुई कहानी अरे वो बहुत लंबी कहानी है अरे सीनू मुझे कहानी सुनना बहुत पसंद है मुझे बताना है बताना प्लीज यार बताया बताया बता बता अच्छा सुन ठीक है रो मत मैं बताता हूँ ठीक है बात यह है कि मुझे हैंडसम बोलिया सीनी यू माय बेबी द
Let's make it nice and groovy. I feel this beat so rocky. Just hit it, let's get ready. मुझे कितने करेगी ऐसा मैंने तो सोचा था. Mind blowing वो लम्हा था. I love it. उसने कहा बाबू दुदु दुबई सिंह जादू दुदु दुबई सिंह ओ यार दुदु दुबई सिंह Now it's time to get up on the mic and move this beat. बाबू दुदु दुबई सिंह जादू दुदु दुबई सिंह ओ यार दुदु दुबई सिंह Now it's time to get up on the mic and move this beat. मेरी स्टाइल पे थी वो फिदा मेरी स्माइल पे थी वो फिदा मुझ पे थी मर मिटी दिल रुबा ओ मेरी मैचो बॉडी की अदा माइक टायसन से भी है जुदा आती है शर्म कहूँ और क्या ओ परियों से भी हंसी मेरी है ना मुझ पे सारी दुनिया है फिदा पर ये दिलवा मुझ पे आ गया हो गए मेरा बाबूरा उसने प्यार से जादू मेरे दिल पे चलाया था अपने हुस्न से मुझको दीवाना बनाया था बाबू दुदु दुबई सिंह जादू दुदु दुबई सिंह ओ यार दुदु दुबई सिंह Now it's time to get up on the mic and move this beat बाबू दुदु दुबई सिंह जादू दुदु दुबई सिंह ओ यार दुदु दुबई सिंह Now it's time to get up on the mic and move this beat Once upon a time था वो लैला मजनू का वैसा ही रुतबा है अपनी लव स्टोरी का అనగనగా ఓ రోజు అబ్బాబీ వెళ్తున్నా నా ఏసీ కారు నేను ఏదో పండ్లు ఉన్నా शुरू लव स्टोरी की ये दास्तां यही सच है मानो जान जा ओ जगी दिल में प्यार की आरजू हम दोनों का दिल मिल गया विलन ये जमाना हो गया ओ इश्क ये जिसके सर पे चढ़ गया वो तो हर हद से गुजर गया मरने से करते हैं तो भला इश्क पे जो एक बार मर गया वो पंछी हम है यारा संग लेके जो पिंजरा उड़ जाते नील गगन पे दुनिया की किए परवा Once upon a time था वो लैला मजनू का वैसा ही रुतबा है अपनी लव स्टोरी का एक दिन का किस्सा है सी है दुबई का अरे बताना है, मुझे बताना ये मत प्लीज प्लीज बता हो गया है रे हो गया हाँ सीनू फिर वो लड़की तेरे से पहले यहाँ कैसे आ गई यार वो क्या है कि हमारा प्यार उसके बाप का पसंद नहीं था इसलिए इंडिया आ गया करके मैंने झूठ बोल दिया है ओहो हाँ इसीलिए कोर्स का बहाना करके तू यहाँ से दुबई गया था पता चल गया कवे ने उधर सिंगल डॉन है भाई इधर डबल डॉन है दुबई में तेरी लव स्टोरी का इंटरवल हुआ है और इंडिया में तेरी स्टोरी पूरी कर दे कर दे रे ये दुबई सीनू डॉन की बेटी को ले जाएगा अरे दुर्गा वो 9 to 9 शास्त्री को कोई केस लगाकर अंदर डाल दे शनि की एंट्री हो गई है कहाँ है शनि शनि क्या कर लेगा वो तो वैसे ही डर जाएगा ए बकवास बंद कर चुप रह म्यूजिक मधु मेरी डार्लिंग ए मधु तुम यहाँ कैसे मेरी गाड़ी खराब हो गई है ऑटो के लिए रुकी हूँ अरे फोन कर देती आके पिकअप कर लेता कोई दूसरा आकर पिकअप नहीं करना चाहिए कोई दूसरा पिकअप नहीं करना चाहिए ना मैं जा रहा हूँ सर लगे रहो प्लीज आओ ना
सिनु मुझे एक बात बता यार, वो लड़की तुझे यहाँ कहाँ मिलेगी? वो दुबई की डॉन की बेटी है, यहाँ की नहीं रहे। सही बात है। बेवकूफ कहेगा जब देखो फालतू की बातें करता रहता है। भाई कहाँ जा रहा है, क्या ठंडी हो जाएगी? अच्छा तुम दिख गई, दिल को सुकून पहुंचा। अरे क्या बात है, पहचान नहीं पा रही हो क्या? अरे मैं तुम्हारा सिनु हूँ, दुबई सिनु। अरे ये कौन है पिताजी? के नमस्कार जी। Hey, shut up! अरे मैंने ऐसा क्या बोला जो तेरा बाप भड़क रहा है? पिताजी सुनकर बुरा मान गए। पिताजी नहीं मंगेतर हैं। तुम इसे पहचानती हो? नहीं मैं नहीं जानती। फिर ये तुम्हारा नाम कैसे जानता है? इसका नाम तो पूरी सिटी को पता है। हाँ करेक्ट। ए कौन है रे तू? होगा कोई सिर फिरा। ए उठो यहाँ से, जाओ। मधु 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 मधु। वो आकर उसके साथ क्लोज फ्रेंड की तरह बात कर रहा था। मधु उसे पहचानती है या नहीं? हाँ या ना? मुझे तो इस मधु पर शक हो रहा है। उससे प्यार व्यार किया है क्या? आपसे प्यार नहीं कर रही है क्या? कौन है अंदर? सर जीप में जो साथ में लड़की थी ना उसका एड्रेस चाहिए मुझे। लड़की का एड्रेस चाहिए सर। मुझे देख के तुम्हें क्या लग रहा है? आप कोई बड़ी हस्ती है कि मैं पहचान लूंगा आपको? एड्रेस दीजिए ना सर। मेरी मधु? आप रुके सर मैं देखता हूँ। मेरी मधु कह रहा है, आखिर तुम दोनों के बीच रिश्ता क्या है? हाँ कहो। अरे हम दूसरी बार मिले हैं, आप रिश्ते की बात करने लगे? वो मतलब नहीं, तुम्हारी क्लासमेट है क्या? नहीं। रूममेट है क्या? अभी नहीं। फिर क्या रिश्ता है? जिसे भूला नहीं जा सकता वो रिश्ता है। रिलेशन क्या है बोलो? अरे क्या बात है, मैं सिर्फ एड्रेस मांग रहा हूँ, इतना इंक्वायरी किस लिए? रिश्ता बताओ और एड्रेस ले जा, समझा कि नहीं? एड्रेस बताओ तो रिश्ता बताता हूँ। नहीं पहले रिश्ता बताओ फिर एड्रेस बताता हूँ। बिल्कुल नहीं, एड्रेस बताओ तो रिश्ता बताता हूँ। नहीं चलेगा। अरे नहीं बताओगे? ठीक है एक हफ्ते में वैसे भी ढूंढ लूंगा मैं। जा रे। सर एड्रेस बताना जरूरी नहीं, रिलेशन ज्यादा जरूरी है। बुला ले बाबू। बच्चे सर बुला रहे। अरे वो बुढ़ा किस लिए बुला रहा? जाने दो ना। अरे नहीं जान दे, उसे बहुत जल्दबाजी है। मैं अरे वो बात कैसे करता है? आओ तो। जा रहे हो क्या? ऐसा क्या मुंह आड़ा टेढ़ा करता है ये? आड़ा टेढ़ा नहीं रे, फेस एक्सरसाइज कर रहे हैं। आपको कितनी बार कहा है नए लोगों के सामने ऐसा मत करो, डर जाते हैं ना। एड्रेस बता दो। डोर नंबर 119 रोड नंबर 7 बंजारा हिल्स हैदराबाद। ओके एड्रेस बता देना, अब तो रिलेशन बता दो। लिख लो, मैं उस लड़की से प्यार करता हूं। ये इसी बात की राह देख रहे थे दुर्गा? ये कैसे हो सकता है, मधु को तो हमारे बख्शी जी प्यार करते हैं। है वो यही है। हा? यही तो है वो। मधु इस लंगूर से प्यार करती है क्या? छी छी। हाँ भाई और क्या कहना है? बात कह के एक सुंदर लड़की से हर कोई प्यार कर सकता है, शिनू भी हो सकता है, बख्शी भी हो सकता है, या फिर कोई दूसरा लंगूर भी हो सकता है, लेकिन बात यह है कि वो लड़की किससे प्यार करती है। वो बचपन से मेरी बीवी है। अपने उम्र के हिसाब से बात कर रहे हो? तुम्हारे जनरेशन में पैदा होते ही शादी हो जाती थी और अब पहले प्यार होता है फिर शादी। ऑल द बेस्ट। पंडित जी शनि के बारे में बोले थे, वो शनि यही है, बहुत ही ज्यादा चालाक लगता है ये। आपके सवालों के जवाब देने के लिए आ रहे हैं स्पेशल गेस्ट रावत जी। सर क्या हुआ मधु? प्रोग्राम का टाइम हो गया, गेस्ट आए या नहीं? वो आते ही होंगे, मैं यहाँ पर उनका इंतजार कर रहा हूँ, तुम मैनेज कर लेना। सिनु हम लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे पता तो चल रहा है। वेलकम वेलकम, आइए। दुबई से आया है। ओह इसलिए देर हो गई क्या? आई एम तुकाराम, स्वागतम सुस्वागतम। मुझे भूखे नहीं मधु चाहिए। वो अंदर रेडी है, अब जाके स्टार्ट। वो मधु मतलब दुबई से आई हुई लड़की? दुबई से आई लड़की कैसे रहेगी सर, हमारी तो छोटी कंपनी है। कंपनी? हाँ। वैसे वहाँ होता क्या है? बिजनेस? यस धंधा। तुम दिन दहाड़े धंधा कर रहे हो? दिन दहाड़े क्या, 24 आवर सर्विस है। बाकी के कंपनी बर्दाश्त कर लेगा ना। तुम बहुत ओपनली बात कर रहे हो। इतना ही नहीं, हमारी कंपनी की गुडविल, सिटी में नंबर 1 होने के लिए 1 लाख, नंबर 2 कस्टमर को खींच के लाना चाहिए। इतना ज्यादा इक्विपमेंट चाहिए? प्रपंच बढ़ाने के लिए करना पड़ता है गुरु। वो क्या है, कंपटीशन के जमाना है ना। सिनु अंदर है कि अलाउ है? तुम्हें हमारी रिसेप्शनिस्ट कंपनी देगी। हेलो सर। नहीं नहीं मैं प्रिपेयर होकर नहीं आया। नो प्रॉब्लम, शी इज वेरी वेल सपोर्टिव। ए बहुत हॉट है गुरु। मैं कुछ लेकर नहीं आया हूं। थोड़ी ही देर में किसी और की जगह पर मुझे भेज दिया है, सही टाइम पर आ गया, बहुत मजा आएगा भैया। ये बहुत हाय गेस्ट हूं, बैठिए। हमारे लिसनर्स को परिचय दीजिए ना। नाम शिनु है, लोग मुझे दुबई शिनु कहते हैं और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। सॉरी एकदम से मैटर पर मत आ जाइए, सुनने वाले कंफ्यूज हो जाएंगे ना। आपका स्वागत है, आप हमारे लिए अपना कीमती वक्त निकालकर हमारे स्टूडियो में आए हैं, इसके लिए हमें बहुत खुशी हो रही है। ऐसा ही कुछ कह सकता लेकिन झूठ बोलने की आदत नहीं है ना। इसका मतलब आपको खुशी नहीं हुई? नहीं, उसका कारण आप है। मैं देखे मेरा मतलब आप जैसे एक लड़की है, मैं उसे बहुत चाहता हूँ और बहुत मगजमारी करके मैंने उसका एड्रेस निकाला और उसका घर भी गया मैं, पर उसने पहचाने से इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। ऐसा क्यों कह रहे हैं? मैं श्रोताओं से बात कर रहा हूँ तो तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? ये रेडियो प्रोग्राम है, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। अरे क्यों नहीं करूंगा, मेरे दिल से खेल रही हो तुम, मैं कौन हूँ तुम नहीं जानती, मुझे नहीं पहचानती, मेरी सर की कसम खाओ तुम मुझे बिल्कुल नहीं जानती हो। जब वो लड़की सामने आएगी
तब ऐसा कहेंगे है ना? और भी बहुत कुछ पूछना है। अरे तुम कैसे पूछ सकते हो, मैं तुम्हारा ये आवाज नहीं सुनी हुई लग रही है। कहीं क्या सुनी हुई, रेडियो स्टेशन का एड्रेस लेकर गया है ना वो। अरे बाप रे, गाड़ी घुमा गाड़ी घुमा, रेडियो स्टेशन चल। नमस्ते जी। हाँ नमस्ते, बोलिए। आप जिस लड़की से प्यार करते हैं उस लड़की का नाम क्या है, बता सकते हैं? लोकल ट्रेन में। सुनो जी, क्या आप उससे सचमुच प्यार करते हैं? आप सब उसे जानते हैं, उसके चाहने वाले बहुत से हैं, वो लड़की और कोई नहीं। अगर ऐसा है तो प्लीज उसका नाम बताइए प्लीज। सॉरी, आज मैं चुप बैठ जाता हूँ, नेक्स्ट टाइम इस प्रोग्राम में हम लोग दोनों साथ में आएंगे। थैंक यू हमारे शो में आने के लिए। हमारे शो यही खत्म होता है। भाई साहब, भाई साहब, मेरा दोस्त बाहर कब आएगा? अरे काम खत्म होना चाहिए ना। छी 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 छी, आप यहाँ कैसे सर? अरे बाप रे, पुलिस की रेड पड़ गई। सिनू भाग, नहीं तो तू ही पकड़ा जाएगा। अरे भाग। अरे पागल। नमस्ते वक्की जी, क्या मधु चाहिए? थोड़ा वेट कीजिए। इनके साथ भी सेटिंग है, सिनू के बाहर आने के बाद ये लोग अंदर जाएंगे। उसे मधु के रूम में किसने भेजा? मैंने। मारता भी है। बाहर लेकर आओ उसे। सॉरी सर, ये काम मैं नहीं कर सकता, कंपनी का नाम खराब होगा। क्या नाम खराब होगा, मैं लेके आता हूं उसे। बख्शी जी, ये बहुत रूड है गुरु। मामा। अरे क्या कर रहे? अरे बख्शी जी, आप यहाँ पे? तू अंदर क्यों गया था? अंदर आने के लिए। दोनों यही है ना, अभी बराबर कर देता हूँ। मुझसे कहता है कि मैं मधु से प्यार करता हूँ। मधु, तुम इससे प्यार करती हो? छी छी, ये कौन है ये भी नहीं जानती। अब क्या कहता है तू? ये पूछने वाले तुम कौन होते हो? मैं एक पुलिस ऑफिसर और उसके अलावा मधु का मामा। अरे तो क्या हुआ, जो लड़की के पीछे पड़ा है झूठ बोल के? मैं झूठ बोल रहा हूँ? पहले मैंने तुमसे क्या कहा था? इस लड़की से प्यार करता हूँ कह रहा था ना तू? मैं अब भी यही कह रहा हूँ, लड़की से मैं प्यार करता हूँ, वो मुझसे प्यार नहीं करते। उल्टा सीधा बोलेगा ना तुम, मार दूंगा तुझे। मार मार, मारने और प्यार करने के लिए जिगर चाहिए बख्शी। मधु के लिए मर सकता हूँ मैं, तू मधु के लिए मुझे मारेगा? मधु के लिए मैं तुझे मारूंगा, क्या तू मधु के लिए मरेगा? फिर कभी ये बंदूक मत निकालना, नहीं तो धज्जिया धज्जिया उड़ा दूंगा। मधु जी, बात समझ में आ रही है, इससे डरकर आप बात छिपा रही है, लेकिन ज्यादा दिनों तक नहीं, मैं आऊंगा, फिर आऊंगा, बार बार आऊंगा, तुम्हारे सच कहने तक आऊंगा। क्या सच है? झूठ। क्या झूठ है? मतलब उसके सच में झूठ छुपा हुआ है। मैं तो बहुत कंफ्यूज हो रहा हूँ। मैं भी बहुत कंफ्यूज हो गया, किसे अंदर भेजना था और किसे भेज दिया, असल में गेस्ट कौन है वो गुरु? वो कौन है मुझे पता है। कौन है? पंडित जी वाला शनि। तुमने कहा दुबई का भाई, डॉन की बेटी। बहुत हॉट है गुरु, वो यहाँ पर रेडियो जॉकी का काम कर रही है, वो प्यार करती है, उसने कहा ये झूठ है, बीच में पुलिस आ गई। मुझे तो बहुत कंफ्यूजन हो रहा है भाई। हा? एक बिल्कुल सच बात बताता हूँ। वो क्या है? मैं तू दुबई नहीं गया था। दुबई नहीं गया था? फिर ये गॉगल्स रोड पर से खरीदा था यार। रोड से खरीदा? और मैं इसे ओरिजिनल समझ कर पहन रहा हूँ। अरे तू मेरी बात ठंडे दिमाग से सुनेगा कि नहीं? ये सब सुनकर मेरे दिमाग में एकदम आग लग चुकी है, और तू मुझे ठंडा होने के लिए कह रहा है? उस दिन मैंने तुमको क्या कहा था? ये एक लंबी कहानी है। कहा था? अरे कहानी तो थी वो, कहानी बता रहा था। छी छी, मुझे लगा तुम सच कह रहे हो। अगर तू दुबई नहीं गया था तो फिर कहाँ गया था? मुंबई। मुंबई? उस लड़की से तेरा क्या संबंध है? सच सच बता सीनू, तू मुंबई में क्या कर रहा है? अरे सूरी बाबू, देख ले कुछ छूटा तो नहीं ना? कुछ नहीं छूटा। दो तीन चार पाँच छह सात, रामकृष्ण कहाँ? रामकृष्ण बाबू, रामकृष्ण बाबू। क्या रे, ये क्या है, रेलवे प्लेटफॉर्म पर समोसे बेच रहे हो ऐसे? रामकृष्ण रामकृष्ण चिल्ला रहे हो? अरे अगर आप मेरे साथ उतरते तो मैं चिल्लाता क्यों सर? ऐसा क्या, मिल के एक साथ सफर करे तो सब इजी हो जाएगा। तेरी लवमेट कहाँ है? भगवान आगे करेगा तो साधु पीछे करेगा, मालूम है? माफ करिए रामकृष्ण जी, हमारे बीच में मराठी आपको ही तो आती है। आपको ही तो आती है। अगर आप भी सीरियस हो गए तो मुंबई में दिक्कत हो जाएगी। ना इसीलिए कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, ये हैदराबाद नहीं मुंबई है। पता है सर, ये बोर्ड पे लिखा था। पढ़ा है? क्या पढ़ा है तूने? रामकृष्ण जी, अब हम कहाँ जा रहे हैं? राज ट्रेवल। आपको पता है ना कहाँ पे है? मुझे नहीं पता, तुम्हें पता है? जाओ। नहीं सर, रिसीव करने हम लोगों को कौन आएगा बताइए ना। आएगा और कोई नहीं, मेरा फ्रेंड ब्रह्मकट्टी नागलिंगम। नागलिंगम? ओ रामकृष्णा, रामकृष्णा, रामकृष्णा भाई। देखिए सर, आपको कोई बुला रहा है। मुझे भी सुनाई दिया। हाँ चलिए चलिए, तुम रुको, सामान के पास रुको। जी सर। रामकृष्णा भाई, आप वो मैं? नो नो, रामकृष्ण आवाज लगा के स्टाइल से बुलाइए। हाँ। मुझे आप ब्रह्मकट्टी नागलिंगम फ्रॉम राज ट्रेवल्स, एम आई राइट? ठीक से बोलो ना भाई। कंफ्यूजन की बात का, फोन पर बात हुई थी ना।
यार। देख रहा ना, मुंबई के लोग इसे जानते हैं। ये सब बातें तो ठीक है रामकृष्ण, लेकिन ये दुबई वाली बैच को देखकर मुझे दुख हुआ। मतलब यहाँ ओवरलोडिंग ज्यादा होने की वजह से बहुत सारे लोगों का वीजा स्टैंपिंग नहीं हुआ, इसीलिए बहुत सारे लोग रेलवे स्टेशन पर ही रह रहे हैं। क्या हम लोग रास्ते पर रहेंगे? कैसे बात करते हैं? बात करेंगे नहीं सर, आप करके रखिए। देखते हैं ना? देखना नहीं, आपको करना है। ठीक है, लेकिन एक कंडीशन है। क्या? मैं काम करने में एक्सपर्ट हूँ, लेकिन बीच में किसी ने डिस्टर्ब किया तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है, फिर मुझसे काम नहीं होगा, समझ लेना। आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा सर। तुम तो ठीक हो भाई, लेकिन ये बैच का क्या? हाँ, वो सब डफर लोग हैं सर, हम इंजन है तो वो भोगी है। उनकी तरफ से कोई गलती हो गई तो रामकृष्ण को बुलाइए, मैं देख लूंगा। ये न्यूज अभी बस हो गया, मैं साथ देख लेता हूँ। बुलाओ 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 सबको बुलाओ। अरे सीनो, अरे तू ही रे यहाँ सर। ये क्या रे, डिस्कवरी चैनल के मेंढक की तरह क्या आ रहे हो? इज नागलिंगम फ्रॉम राज ट्रेवल्स, माय बेस्ट फ्रेंड। नमस्ते। और ये रमन थोड़ा एक्स्ट्रा है। और ये भूची, इसको कोलेस्ट्रॉल है। देखा इसको कितनी जल्दी है, इसका सब कुछ याद है। से देख रहा हूँ बहुत बोले लगे सर। अच्छा गुस्सा हो गया क्या? चलो यार हम लोग चलते हैं। मेरी बात सुनो, ये पांच लोग हैं, रखने में मुश्किल होगी। मुश्किल क्या होगी? यानी उन पांच लोगों को छोड़ दिया तो रहने में मुश्किल होगी ना। चलो चलो लेट्स गो। okay. मैं तो ट्रेन में फ्रेश हो गया। ओ वेरी गुड, लड़का बहुत फास्ट है। चलो चलो चल के कैंटीन में बात होगी। चलो ए राखी बोल क्या लेगा? दो मैसूर भाजी, एक प्लेट उपमा, एक प्लेट इडली, एक प्लेट वो दोनों मिला के मुझे दे दीजिए। तीन उत्तपा, एक प्लेट डोसा, एक प्लेट इडली और सब मंगवा लो, सब मंगवा लो। कैंटीन में जो भी है सब मंगवा लो। उसने पूछ क्या लिया, तुम लोगों ने सब मंगवा लिया ना? नहीं कह सकते तुम लोग दुबई जाने के लिए आए हो या फिर खाने के लिए आए? बिल्कुल मैनर्स नहीं है। ओके ओके, पहले हम लोग प्रोसेस करते हैं, मैं जो कहता हूँ वो सुनो। हाँ, सबके लिए बिरयानी। मतलब हम डायरेक्ट फ्लाइट में जा सकते हैं नागले गुंजी? तुम लोग मेरे साथ आए हो या राखी के साथ? थैंक यू सर, मुझे तुम्हें थैंक्स कहना चाहिए, तुम राखी हो इसलिए रिस्क आसान हो गया। रिस्की मतलब? रिस्क नहीं तो क्या है, फ्लाईओवर के नीचे रहने वाले तुम डायरेक्ट फ्लाइट में जाओगे, रिस्क नहीं है क्या? सर अगर आप गुस्सा नहीं करेंगे तो एक डाउट था सर। फिर से क्या डाउट? क्या डाउट है बोलो? ऐसा नहीं है राखी, कूल डाउन, बैठ जाओ बैठ जाओ। क्यों भाई, तेरा डाउट क्या है? दुबई में हम क्या करेंगे सर? रेत बेचना, रेती बेचना, ईंट बेचना। असल में तुम पेट भरने के लिए खाना खा रहे हो या शक कर रहे? राखी किसी को भी डाउट होना जायज है भाई। देखो भाई, दुबई जाते ही तुमको तीन तीन बोट्स मिलेंगे। बोट्स? पेट्रोल बोट्स यार, तोड़ने का और बेच देने का। पैसे की बात हो जाएगी। कितना मिलेगा सर? क्या बोल रहा है, जैसे मालूम ही नहीं, एक एक का 75,000 तय हुआ है ना। चलो निकालो पैसे, चलो निकालो सब। इतना ही ना? नागलिंगम जी रुके। रुकने के लिए क्यों कह रहा है? भगवान अच्छा करे तो साधु पीछा करेगा। गुस्सा मत कीजिए रामकृष्ण जी, ये आपके दोस्त है, अपने हाथों से दीजिए ना। थैंक यू राखी। नागा एक बार गिन लेते तो अच्छा होता। रामकृष्ण तुमने दिया है तो गिनने की क्या बात है? छे छे, ठीक है आप लोग ऑफिस जाइए, मैं वहीं आके मिलता हूँ। लिंगम जी आप भी हमारे साथ ऑफिस आइए। ऑफिस चले रामकृष्ण। एक मिनट, क्यों रे, तेरा ऑफिस जाना जरूरी है या दुबई जाना जरूरी है? दुबई जाना सर। ठीक है, तुम्हारे पास इंडियन करेंसी और नहीं है ना? हाँ, ऐसी थोड़ी सी है सर। नहीं कहा ना रामकृष्ण, क्या केस है, हड्डी डालते हैं। सॉरी भूल गया, दे दो रे। दे दो दे दो दे दो। अरे वो बैग में जो है वो भी दे दो क्या? अभी रुपया रुपया दे रहे हो, बाद में डॉलर डॉलर कमाओगे। ओके चलो चलते हैं। अरे आकाश में हवाई जहाज को देखकर नक्षत्रों की याद आ रही है, ये सब आप ही की वजह से हुआ है सर, हम चल रहे हैं। शुक्रिया। तू क्यों थैंक्स बोल रहा है? ऐसी बात नहीं है सर, वो लिंगम को खाली पॉकेट में छोड़ दिया हमने। छोड़ना कैसा, वो क्या चोरी करने वाला लगता है? उसने मदद की, उस आदमी का तो हाथ जोड़ के एहसान मानना चाहिए, और तू उसके लिए ऐसा बोल रहा है? कौन सर? माय फ्रेंड, लिविंग एजेंट, राज ट्रेवल्स, यही है। हे भगवान, फ्लाइट टाइम पर है, अंदर सबके लिए सीट है ना? खड़े होकर जाना बहुत मुश्किल है। फ्लाइट एसी है नॉन एसी? हमारा बर्थ नंबर कौन सा होगा? आप सब लोग कौन है? गिरी, सूर्य बाबू, श्रीनिवास राव, रामकृष्ण, भुज्जी, रामाणा, गप्पे भाई की टिकट का है? आप जिस टिकट के लिए पूछ रहे हैं उसका प्रोसेस लंबा है, वो सब कैंटीन में ही खत्म हो गया। कैंटीन में? हाँ, आपको देने के लिए टिकट नहीं, उसको लिए नागलिंगम को। नागलिंगम ये है, नागलिंगम ये तो फ्रॉड लिंगम है। तमिल से बात करो। रुको रुको, वीजा के लिए आप ही लोग आए हो ना? ये तुम लोगों को लेने के लिए गया था, लेकिन तुम लोग वहाँ नहीं मिले। हम लोगों को रिसीव करने वाला वो कौन था? वो हमें क्या पता। अरे ऐसी मत कहिए, वो हमारा पैसा ले गया बिना सोचे। किसको पैसे दे दिए? वो
सब हम नहीं जानते, हमारी टिकट आइए, अरे भाई लोग हम उनपे क्यों भड़क रहे हैं, वो तो अपना ड्यूटी कर रहे हैं ना, रामकृष्ण जी का क्रेडिट है ये, क्यों रामकृष्ण जी? बकवास बनकर, मेरा क्या संबंध, जो मुंह में आया वो बकने लगता है। रामकृष्ण जी को गुस्सा बहुत आता है। मुझे क्यों गुस्सा आएगा, क्यों आएगा गुस्सा, भगवान अच्छा करेगा तो साधु भी अच्छा करेगा बच्चा। आप हमें भीख मांग के खिलाने वाले हैं क्या? मैं क्यों भीख मांगूंगा, क्यों मांगूंगा मैं भीख, यूजलेस फेलो। नागलिंगम कौन है? मुझे क्या मालूम, मुझे क्या मालूम, लिविंग लेजेंड मंगोटिया यार है, है? बहुत करीबी है, गांव छोड़ के यहाँ है, सोचा मिल के रहेंगे। तेरी तो चल के रुको, एक अकेले आदमी को इस तरह क्यों मार रहे हो, ये सब कहाँ की शराफत है बताओ जरा। सही कह रहे सर, लेकिन इंसान नहीं है। हाँ हाँ, बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं सर, आप तेलुगु है क्या? ओ, पटनायक। हाँ, लेकिन आप लोग कहाँ से आए हो? मतलब शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम दुबई जाने के लिए आए थे, इस आदमी ने एक नौकरी दिलाने के चक्कर में एक आदमी से मिला और वो पैसे लेकर कल्टी। कुछ बोलो मत, मुझे समझ में आ गया है, इस बदमाश आदमी ने तुम्हारा सब कुछ ले लिया। हाँ सर। तुम्हारी जेब तो है लेकिन अंदर कुछ भी नहीं। जी सर, आपको कैसे पता चला? बड़े ना ना ना, मारो मत, मारो मत, मैं ये सब नहीं देख सकता भाई। सर हाँ, चाय पीने के लिए पैसा नहीं है सर, चक्कर पे चक्कर आ रहा है सर। तब तक ये चने खाओ। आप लोगों की ये हालत देखकर तो मुझे बहुत बुरा लग रहा है, आगे आप लोग क्या करना चाहते हो? अब यहीं पे पैसा कमा कर दुबई जाएंगे सर। ओ, हम लोगों को देखकर आपके दिल धड़क रहे हैं सर, तो आप ही हमारे लिए कुछ कीजिए सर। रुक जाओ भाई, एक एक करके बताता हूँ, मैं हूँ ना। मुझे तो लगा था कि भगवान ऊपर रहता है, यहाँ पे का पता चला तो मुंबई में है। अरे भाई क्यों ऐसी हरकत करते हो जिसमें मार खाना पड़े, ये लो खाओ। रुको, मैं तुम लोगों को रहने के लिए घर देता हूँ, रोजी रोटी धंधे पानी के लिए हमें मेंशन जाना होगा। मेंशन मतलब? मेंशन एक ब्रांडी बोतल की तरह बड़ा भवन है। गिरी बाबू, ये पटना तो मेंशन की बात कर रहा था यार, ये तो खंडर दिखता है मुझे। बड़ा मेंशन कहा था ना। ये रहा तुम लोगों का रूम विद फर्नीचर, कैसा है? लेकिन सर बेडरूम किधर है, हॉल किधर है और चिकन, मैंने मेरा मतलब किचन का है सर। आप सब लोग जहाँ बैठोगे समझ लो वो हॉल है, जहाँ खाना खाओगे वो किचन है, और जहाँ सोओगे वहाँ पे बेडरूम है। और बारिश आ गई तो समझ के तैरना शुरू कर देना, फिलहाल इसी से काम चलाओ भाई। इतनी छोटी जगह में हम कैसे काम चलाएंगे? जॉब करना बेस्ट है यार, बिजनेस बेस्ट है। अरे हम क्या बिजनेस करेंगे सर? हर आदमी में एक टैलेंट होता है, पहले आप सबका टैलेंट पता करना होगा। आपको क्या आता है भाई? दारू पीना आता है। कैपेसिटी कितनी है? पूरा बोतल अकेला पी सकता हूँ। थोड़ा थोड़ा नहीं पी सकते क्या? थोड़ा थोड़ा पिएगा तो ये पी लेगा। समझदार है। और तुम्हें क्या आता है भाई? प्यार करना आता है। अभी लड़कियों को बताऊं क्या? लोफर कहीं के सर, तुम तो बहुत स्पीड में हो, तुम्हें क्या आता है? पैकेट बना सकता हूँ सर। ना बाबा, मुझे नहीं बनवाना, तुम्हें क्या आता है? इसका क्या मतलब है? कराटे। ओ जाने दो, इसकी जरूरत नहीं है। ओ बड़े आदमी, तुम्हें क्या क्या आता है? ये खाना बनाता है सर। खाना बनाने वाला नहीं सर, चेफ। शेफ मतलब कौन सा खाना बनाता है? साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, ऑस्ट्रेलियन, व्हाट नॉट, एवरीथिंग। मुझे ये सब नहीं चाहिए, पाव भाजी बना लेते हो ना? उसे बनाने में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। मैंने तुम्हें सबसे बेकार आदमी समझा था, लेकिन तुम तो सबसे काम के आदमी निकले। पाव भाजी सर। सुनो, यही बड़ा भाई तुम्हारी मदद करेगा, पाव भाजी का बिजनेस फिट। अब सब कुछ छोड़कर पाव भाजी? भाई अगर तुम्हें पसंद नहीं तो अपना बिजनेस खुद ढूंढ लो। हां करना ही पड़ेगा। ये पटना जी जॉब कहेंगे सर। अब आप में से किसी को ईगो प्रॉब्लम तो नहीं है ना? हमारी जिंदगी में ईगो क्या सर, कुछ नहीं है सर। मैं हूँ ना, ये लो 500 रुपया रख लो, इससे धंधा शुरू करो, मैं शाम को आकर हिसाब कर लूंगा। सुबह कर्जा देके शाम को वसूल करना मेरा बिजनेस है, इससे सामान खरीदो और बिजनेस चालू करो। लेकिन इसमें 50 कम? कम नहीं है, कम कर दिया इंटरेस्ट। आज से आपका ये मुंबई में धंधा चालू हो गया है, हार्ड वर्क करो। वो धीरू भाई अंबानी, वो लक्ष्मी मित्तल, वो रतन टाटा, कौन है ये लोग? इन्होंने मुंबई को गोद लिया और एक दिन बहुत महान आदमी बने, मैंने भी उनकी तरह बिजनेस किया। ठीक है सर। वो देखो पल्सर, बिजनेस के लिए ये जरूरी है। सुनो ये लो 1000 रुपए। मुझे ये पसंद नहीं है। जी सर, आशीर्वाद। मेरी पूजा मत करो, मुझे ये पसंद नहीं। अच्छा। कस्टमर की पूजा करो। अरे क्या, क्योंकि वही हमारा भगवान है। अरे महान आदमी है पटनायक जी, भगवान है, यही स्पीड से काम करते रहना तो दुबई पहुंच जाएंगे जल्दी। नमस्ते पटनायक जी, आप ही के बारे में बोल रहे थे, बैठिए। रात को काम था इसलिए आया। बहुत अच्छा सर। नमस्कार सर, पानी वगैरह लाऊं क्या? नहीं नहीं,
पहले बिजनेस के बारे में बात करेंगे। कलेक्शन कितना हुआ? 3500। शुक्र है भगवान का। सबसे पहले मेरे 450 रुपए निकाल के यहाँ रखो। ये लीजिए सर। और मेरा इंटरेस्ट? कल तो आपने ले लिया था सर। कल तो आधा लिया था, 50 और बाजू में रखो। अभी कितना हो गया? पैसे किसने दिए थे? आपने सर। उसमें नुकसान हो गया? आप। तो बताओ उसका नुकसान कौन सहेगा? आपको सर। और फायदा हुआ तो किसको लेना चाहिए? आप सर। जी सर, मैं एक मिनट पूरा। मैं इतना बड़ा स्वार्थी नहीं हूँ कि सब रख लूँ। नो कंफ्यूजन एंड मिसअंडरस्टैंडिंग। इधर आओ, इधर आओ, इधर आके बैठो मेरे पास। इसमें तुम्हारी भी मेहनत है। हा? आधा मेरा, आधा तुम्हारा। कातना शरीफ है। कल हमने 1000 रुपए से ओपनिंग की थी। वो तो बोनी था सर। बोनी तो हो गई। अब मेरी बात सुनो। पाव भाजी की गाड़ी का 200 रुपया, प्लेट तोड़ने की पेनल्टी 300 रुपया, नई पल्सर का 1000 रुपया। पल्सर के लिए 1000 रुपए? मुंबई में ऐसा ही होता है। पूरा मिला के कितना हुआ? 2500। ऐसे क्या देख रहा है बे? 1500 तो है। चल जाएगा, बाद में देख लेंगे। भाग कर जाओगे कहाँ? ये लो आज के सामान खरीदने के लिए पैसे। पैसे गिनना मत, 50 कम है। ऐसा हो गया तो लक्ष्मी मित्तल कब बनेंगे? भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा था? हमको पता नहीं। कर्म कर, फल की चिंता मत कर। ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे काम करते रहे तो दुबई कब जाएंगे? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या करें? सर लीजिए। मुझे नहीं चाहिए, ये सब खाने के लिए नहीं भाई, बेचने के लिए है। मेरी चिंता मत करो भाई, मुझे कुछ नहीं चाहिए। जाओ जाओ। ऊपर सर। ये सब क्या है? हाथ से फिसल कर 2 प्लेट टूट गया सर। 2 नहीं 4 प्लेट, 25 रुपए प्लेट के हिसाब से तुरंत 100 रुपए निकालो। लाओ। मरने के बाद सब अपने साथ ले जाएगा क्या? इतना घबराओ मत, ये तो होता ही रहता है भाई। चले काट दे तो आपकी उंगली तो समझ में आएगा आपको। तुम परेशान मत हो, अगर उंगली काट लेगा तो प्याज कैसे काटेगा भाई? अरे ये क्या बात कर रहे हैं, गले में से 50 निकाल। वो सब मत निकाल, इसके लिए 50 रुपए किस लिए? हमारे फ्रेंड को ऐसे ही सेफ्टी हुआ था, हाथ में हल्दी लगा दे, सब ठीक हो जाएगा। चल हट। दूर क्या बात कर रहे हो? अरे बाप रे, मंगत मंगत। अरे मत बता भाई, इसमें लड़की कहाँ है? इसमें तो सब दरिंदे लोग नजर आ रहे हैं, लड़की कब आएगी? अरे वो आएगी तो डर मत, मेरी जिंदगी ऐसे ही कट रही थी, फिर एक दिन क्या हुआ? ये बंबई में एक जगह से दूसरी जगह जाने में कंटाल जाता है आदमी यार। अरे देख तो सही, वो लड़की कितने खुश है। खाने के सिवा कोई लड़की नहीं दिखेगी। अरे निकम्मा। अरे श्री बाबू देखना वो लड़की कितनी ग्लैमरस है। ओके चलिए अब। हाँ चलो चलते हैं। कौन सी लड़की? अरे वो जो चूड़ीदार में है यार। कहाँ है बाबू? ये देखिए। अरे कहाँ गई? यही पे तो थी। अरे 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 उतर गई होगी, फिर कभी मिलेगी पता नहीं। मुंबई में कहाँ से मिलेगी? अरे फिर कभी, ऐसे मत बोलना यार, क्यों करे? अरे तेरी काली जुबान यार। हे भगवान, फिर से उसके दर्शन हो जाए हमको बस। सेनू भाई क्या हुआ? सॉल्ट का पैकेट चाहिए। भोली भाली लड़के खोल दे रे दिल के प्यार वाले खिड़की। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे खाने को कुछ मिलता है? आपसे ही पूछ रही हूँ, खाने को कुछ मिलता है? अरे मिलता मतलब क्या बोल रही है? आप समझ रहे हैं ना? हाँ। आप ही से पूछ रही हूँ, आप यहीं के हैं? हाँ जी, आप कहाँ के हैं? हैदराबाद। मैं वैसा का हूँ, दीदी की शादी आपके गांव में हुई है, जीजा जी जिसे भी है। आपका नाम क्या? मधुमति। ये कौन? मेरी फ्रेंड रेवती। मेरा नाम सीनू। मैंने पूछा इनसे, कहा ओ यहाँ खाने को कुछ मिलेगा? मेरे दोस्तों का पाव भाजी का स्टॉल है यहाँ पर, वो सब दुबई जाने के लिए आए थे और यहाँ पर लुट गए। और फिर क्या, जीने के लिए सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है ना। इज इट? तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं? सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। वो कंपनी? एचपी। गैस कंपनी है ना वो? इंडिया में ये नाम बहुत ही फेमस है ना, इसलिए तो मुझे लगा कि ये नाम रखने से हम भी फेमस हो जाएंगे, इसलिए नाम रखा है। वैसे आप इतना नाम के पीछे क्यों पड़ गए हैं? आप आइए। अरे आइए आइए आइए। अरे आइए आइए आइए, बैठिए बैठिए बैठिए। अरे बैठिए। अरे सूरी बाबू, धंधा पानी कैसा है? ग्राहक लाऊं तुम्हारे लिए? अरे मधु जी, बंबई में कहीं पे भी रहो, पाव भाजी यहीं पे खाने का है, इन लोगों की रोजी रोटी है। भाई सॉल्ट का पैकेट कहाँ पे है? जरा जल्दी बताओ, मसाला जल रहा है। ये आपको नमक के पैकेट के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? अरे वो क्या है कि मैं इनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लाता हूँ ना, परसों मिर्ची का पाउडर लाया था और फिर तेल लाया, कल आज कुछ नहीं आ रही तो यहाँ दिला रहे। अरे रामकृष्ण भूल गया यार, तुम लोगों के साथ धंधा लगाया यार, इतना नहीं कर सकता मैं? आप तो बहुत ग्रेट है। किस लिए? भिखारियों को भी नहीं समझेंगे। भिखारी? अरे भिखारी नहीं रहे, बिजनेस मैग्नेट्स। वैसे कस्टमर को यहाँ पे बिठा के क्या डिस्कशन कर रहे हो यार, ऑर्डर दो ना। ऑर्डर देना चाहिए ना सीनू भाई। अरे स्पेशल रगड़ा लेके आओ ना यार। आप यहाँ मुंबई किस लिए आई हैं? मैं एक जरूरी काम से मुंबई आई हूँ, मुझे बहुत ज्यादा घूमना पड़ेगा। आप बहुत बिजी हैं और ये शहर मेरे लिए नया है। आप मत घबराइए, मैं हूँ ना। आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं? इसमें तकलीफ की क्या बात है? लीजिए। आप यहाँ पे आराम से बैठ के खाइए, मैं हूँ ना यहाँ पे तेलुगु आदमी। फिर आपका ऑफिस? एक बात बताओ, जितना काम करूंगा उतना ही है। चलिए जल्दी कागज चलते हैं, आज संडे है ना, ऑफिस बंद होगा। सुनिए जी, बम्बई में ट्रैफिक बहुत है, एक काम करना होगा, सुबह 7 बजे मिलना होगा, इससे काम हो जाएगा। ठीक है। अरे मधु जी पैसे अंदर रखिए, आप चलिए। फिर पटनायक से क्या कहोगे? ये पटनायक कौन है? अरे एक और भिखारी है। अरे सूर्य बाबू, वो लड़की हवा की झोंके जैसे लोकल ट्रेन में गायब हो गई और फिर मेरे सामने आई और मुझसे बुलाया और मुझे बात की। भाई यार चुप,
अरे ये सब सच है क्या रे? अरे भाई तुम्हारी गाड़ी तो वहीं पर अटक गई। अरे भाई पहली बार लड़की ने इस तरह से बात की ना, इसलिए ऐसा फील हो रहा है। अरे तुम लोग जल रहे हो ना मुझसे? असल वो लड़की मेरे बाइक में कब बैठेगी? कैसे बैठेगी, एक साइड में या दोनों साइड में, ये सुबह पता चलेगा। क्यों रे, कलेक्शन कम हुआ है, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया क्या? मेरा कॉन्सेंट्रेशन तो ठीक है, जरा वहाँ मतलब देखिए। बाकी लोगों का कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया है क्या? ऐसे क्या देख रहा है? राह देख रहा हूँ। कस्टमर को देख रहा है क्या? नए गर्लफ्रेंड के। बेवकूफ की जिंदगी में इसी की कमी थी। अरे कमी थी इसलिए देख रहा हूँ। अरे बाप रे, वो आ गई। मैं पर्सनल कामों के बीच में नहीं आता। अरे उसके लिए मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, अगर बाइक नहीं होता कैसे चलेगा? हाँ? कंपनी के काम के लिए 20,000 रुपए और बाकी के काम के लिए 1,500 रुपए, ठीक है ना? ठीक है, ले लेना। हाय, हाउ आर यू? हेलो मधु, मॉर्निंग अच्छी है क्या? हाँ ठीक है, चलिए चलते हैं। ये कौन? पटनायक। अरे मैंने कहा था ना वो भिखारी। भिखारी? हाँ मतलब भिखारी है। ये कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे सुन, बाजू में जाके समझा। शिवू यार अपना सिनेमा हीरो का दिल वाला है, देखो 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 ये जो जुदा सबसे, जो अलग सबसे, बिंदास है अपना शिवू 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 रे। जादू जादू हो गया कैसा जादू, ता अच्छा खासा कल तक रबारे। जानू 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 ना मैं तो कुछ भी जानू, क्यों लगता है तू बदला बदला रे। मैं हूँ कहा मुझको ना कुछ पता, चारे कहाँ ये खो गया रे। दिल मांगे मोर जब से मैंने तुझको देखा, लगता है लो मुझको हो गया रे। खुद पे है काबू ना जाने कैसा जादू, ओ जाने जाना तूने कर दिया रे। हर पल तेरी आरजू हर लम्हा तेरी जुस्तजू, करता है अब तो मेरा जिया रे। वेलकम दिल से कर ले ओ यारा, मान लो उड़ा लो दो कदम प्यार से, और कुछ भी दुनिया में है नहीं प्यारा। प्यार जिंदगी प्यार ही खुशी, प्यार से जुदा यार कुछ नहीं, प्यार जो मिले यार दिल से प्यार को अब ना। प्यार बंदगी प्यार है खुदा, हो जा यार तू प्यार पे जुदा, प्यार से सजा जीवन का तू हर सपना। जादू 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 हाँ प्यार का है ये जादू, ना प्यार बिना दिल कुछ भी माने रे। समय यही राइट सनम, कर ले तू
खुले दिल से अपनी मोहब्बत का इजहार। रुक से नहीं रुकता है ये वो तूफान है इश्क ओ यारा, अपने संगले बहता है जज्बातों का सैलाब। प्यार ना कभी रुकता है ये एक न एक दिन इसका नजारा, भर देता है हर नकाब को रुक से बेनकाब। जादू जादू हाँ प्यार का है ये जादू, ना प्यार बिना दिल कुछ भी माने रे। जानू 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 आ मैं तो इतना जानू, ये प्यार तो प्यार को पहचाने रे। अरे सीनू टेंशन बर्दाश्त नहीं हो रहा यार, तुम लोग कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया जल्दी बताओ ना। अरे बहुत कुछ हुआ यार, हाँ। जैसे कि जूहू में हमने जूस पिया, हाँ। अंधेरी में हम लोग जा ऑमलेट खाया। सीनू ये चाय ले ले, और वो सब फालतू बातें छोड़। अपने मन की बात उसे बताए कि नहीं ये बता। अरे वो कहने गया तो पसीना निकला है मेरा। देर हो गई तो आंसू निकलेंगे। हाँ वो लड़की यहाँ की नहीं है, अगर वो चली गई तो तुम्हारे दिल की बात दिल में रह जाएगी और सब खत्म हो जाएगा। क्या आप किसी टेंशन में हैं? टेंशन बोले तो बोलिए ना। टेंथ क्लास के परीक्षा में भी इतना टेंशन नहीं था मेरे लिए, आपकी आंखों में देखकर मैं कैसे बात करूं। सर नीचे रख के कह देता हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, सच कह रहा हूं। जिंदगी भर मुझे तुम्हारा साथ चाहिए, तुम समझ गए ना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा ना? सुनिए सीनू, आपका भोलापन देखकर मैंने आपसे इतनी हद तक दोस्ती की, लेकिन सीनू आप मुझसे कभी ऐसा कहेंगे ये तो मैंने सोचा भी नहीं था। जाने दीजिए, सोचा नहीं लेकिन नाराज तो नहीं दिख रहे मुझे। अभी से मेरे दिए हुए एप्लीकेशन के बारे में तो सोचिए, कभी ना कभी तो मेरी सीट कंफर्म हो गई तो दुबई जाने जितना मजा आएगा। अरे भाई लोग आज जितना खाना खा लो, जितना पीना पी लो, आज तुम लोगों का फूड फेस्टिवल है मधुमती वेट श्रीनिवास। उस लड़की ने तुम्हें हाँ कर दी क्या? हाँ कहने जैसी है यार। हाँ कह दिया मतलब? अरे मैंने अपने दिल की बात कह दी, अब उसको सोचना है मतलब कि आधा काम हो गया ना। चलो भाई पटनायक अगर खर्चे के बारे में पूछा तो क्या जवाब देगा तू? इस वक्त उसके बारे में मत सोचो यार, कुछ अच्छी अच्छी बच्ची बच्ची बातें करो। चलो क्या हुआ रे? अरे क्या हुआ तुझे रॉकी? अरे क्या हुआ रॉकी? सुबह जब मैं पाव भाजी बना रहा था तो चम्मच टूट गया, तो उस पटनायक ने हाथ से हिलाने को कहा तो मैं हाथ से हिलाया। हाँ भाई उसका टॉर्चर दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है, आज अपने रामू को हुआ है कल हमको भी होगा, फिर क्या करना चाहिए? उसी पे वार करना होगा। अरे आए तो क्या करोगे? उसका टाइम खराब होगा तो आएगा वो। ये क्या है रे? इधर आ अरे रे रे रे, अरे बेवकूफ लोगों मेरा सारा पैसा पी गए क्या? अरे मैं तुम लोगों को धीरू भाई अंबानी बनाना चाहता था लेकिन तुम तो धीरू भाई बन गए। तेरे कलेक्शन का इस खर्चे से कोई मतलब नहीं है, हम लोग यहाँ पे बैठ के एक मीटिंग कर रहे हैं, तू भी आके दो बियर बाद चल। कौन सा इम्पोर्टेंट काम है? अरे को मारनी है, तुम्हारी सलाह चाहिए। उसको क्यों मारना है? उसने हम लोगों को टॉर्चर किया है, अभी भी कर रहा है सर। इसका मतलब है तुम लोगों को बहुत खुन्नस है उसके ऊपर। ये इमोशन में आके चार लोगों ने गला दबाया तो वहीं पे मर जाएगा वो। मारने का एक तरीका होता है, आर्ट से मारो उसको, तरीके से मारो, रिदम से मारो, ढंग से मारो उसे, ऐसी पिटाई करो कि जिंदगी भर ना भूले। क्या बोलते हो? इसीलिए तो आपसे पूछ रहे हैं, क्लियरली समझाई ना। पहले जिसे मारना है उसे सेलेक्ट करो। सेलेक्ट कर लिया है। मारो तो निशान नहीं आना चाहिए। रुको 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 रुको, एक इम्पोर्टेंट बात और सुनो, जिसे भी मारना चाहोगे वो भागने की कोशिश करेगा, उसे बीच में ही पकड़ना चाहिए, मतलब उसे चारों तरफ से घेर लेना चाहिए। अरे अरे उठा उठा मुझे ऊपर उठा। अरे आगे वाला आगे वाला आगे वाला। बोलता हूँ सबसे पहले उसके कान, पहली मार में ही अपनी विजय होनी चाहिए। उसकी नाक पे ऐसा पंच दो कि दोनों आंखें निकल के बाहर आ जाए। अरे भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? तुम्हें तो सिलेक्ट कह रहे। उसने क्या कहा था? उसने कहा था रिदम होना चाहिए, सुर होना चाहिए, म्यूजिक होना चाहिए। अरे वीर पटनायक जी, ये क्या है? तेलुगु समझ के हमसे ही दगा कर रहा था और हमारा ही गला काट हम तीन शेर है सबका भला करते हैं, सत्य के लिए, न्याय के लिए, धर्म के लिए रक्षा करते हैं। चौथा शेर है सूर्य बाबू सूर्य बाबू सूर्य बाबू। जब देखो आवाज अपना ही दिमाग चलाता रहता है जैसे हमारे पास कोई दिमाग ही नहीं है। अभी बताता हूँ ये देख हमारे दिमाग का खेल।
क्या रे, हमारी बिल्डिंग बिल्डिंग हमसे लगा करता है? गिरी कोई काम अधूरा नहीं छोड़ते। जोरे हमारी बिल्डिंग में आया और हमसे ही दगा करता है। हम लोग कोई बात अधूरी नहीं छोड़ते। तू जानता नहीं हम लोग कौन है? रात गली एक ख्वाब में आई और गले का उठो उठो। ये सपना नहीं भाई, हकीकत है। आप और यहाँ पर? मैं ही इनको लेकर आया था। ये कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं, ये भिखारियों का एक गैंग है और ये है उनका लीडर। ये आदमी एक बार दारू पीता है तो गुलशन ग्रोवर बन जाता है, विलेन। इस आदमी की शक्ल सूरत पे मत जाना, ये कोई सीधा साधा आदमी नहीं है। मैं ही इस लड़की को यहाँ लाया था, आगे तुम्हारी मर्जी। मधु 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 जी, कट इट। ये पटनायक नहीं, कट रहे। तेरी तो अभी बताता हूँ। ए रुक जा, एक तो पहले बेवकूफी की, गांव से यहाँ आए और झगड़ा किया। सिनु भाई जाओ, जाके उस लड़की से माफी मांग लो। रेवती जी, क्या है? मधु है क्या? नहीं, वो गांव चली गई। गांव चली गई? कब? अभी स्टेशन छोड़कर आई हूँ। बीटी स्टेशन का कितना होगा? 200 रुपया। क्या रे, फ्लैशबैक अच्छा नहीं लगा क्या? बहुत ज्यादा खराब है। अरे मैंने तेरे को ठीक से बताया नहीं है, डायरी में लिखा मैं पढ़ दूं क्या? वो मैं पढ़ूंगा क्या? अरे ज्यादा नहीं, सिर्फ 320 पन्ने हैं। मुझे मानना चाहता है? मेरा मतलब वो नहीं। चल छोड़, ये भी कोई कहानी है? एक गाना नहीं है, किस नहीं, ऑटो में जाने के लिए पैसे भी नहीं है। तेरा ये फ्लैशबैक बेकार है, किसी काम का नहीं है। तू वहाँ पाव भाजी बेच रहा है, तुझे कोई लड़की प्यार नहीं कर सकती। अरे मुझे कोई बात नहीं सुननी। चल बाबा। अबे जा। अरे जो कह रहा हूँ सुनना। मुझे तेरी अब कोई कहानी नहीं सुननी। अरे तेरे मुर्दे, बहुत भूख लगी है रे बाबा। ये गरीबी अपने साथ लेकर आया ना, तो इस रईसी में एडजस्ट करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। सुनो अच्छे से पढ़ो, दुबई लेके जाऊंगा। क्या रे, दुबई? सीनो कॉफी। मुझे भी दो ना भाभी। तुम भी ना, नीचे आकर पियो, वो तो दुबई से आया है ना। अरे रे, तुम लोगों को टाइम हो रहा है, तुम लोग रेडी हो जाओ नाश्ता करने के। अरे रेडी होने का क्या है, सबके साथ रख लेना, खा लूंगा। ओहो, दुबई में सबके साथ खाता होगा ना, आदत पड़ गई है। मेरे भाई ने दुबई में राजा जैसी जिंदगी गुजारी है, समझ गया? राजा जैसा जी रहा है कि राजा ट्रेवल्स जैसा जी रहा है? राजा ट्रेवल्स में कहा थी नो, दुबई में राजा ट्रेवल्स है क्या? ये दुबई में नहीं है, मुंबई में। मुंबई का मतलब? अरे मतलब पहले बॉम्बे था, अभी मुंबई हो गई है। तेरे से बात करनी, आजा आजा, तेरे से बात करनी है, आजा। अरे अच्छा हुआ याद आ गया मुझे। क्या रे, बहुत बोलने लगा तू। अबे ये काम तो पुलिस करती है, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ उसे। अच्छा है क्या? एक और दो क्या? नहीं। अब तो क्या करेगा? अभी क्या करना है? जो मैं बोलूंगा वही करेगा, जैसे मैंने बोला था वैसे ही करना। घर पे कोई नहीं है? हेलो, कौन बोल रहे हैं? हाँ, तू आवाज बदल के क्यों बात कर रहा है? मेरे दुबई के शेख का फोन है। अच्छा? जल्दी बताओ कि मैं नहीं हूँ। चलो चलो। हेलो हेलो, वहाँ पर सीनू है क्या जो दुबई से अभी वापस आया है? आप कौन? दुबई का सेठ, आधा बर्जे, आधा बर्जे। सीनू को यहाँ पर सभी पसंद करते हैं। वो यहाँ पर नहीं है, इसीलिए इसको लोग याद कर रहे हैं। बिजनेस में भी हमें बहुत नुकसान हो रहा है, आप उसे जल्दी से यहाँ पहुँचा दीजिए। अगर वो नहीं आए तो हमें काफी नुकसान हो सकता है। उसके बिना हमारा पूरा बिजनेस मिट्टी में मिल जाएगा। वो कौन है रे? एक मिनट, दुबई का सेठ मेरे भाई को अर्जेंट दुबई भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। लो कर लो बात। हेलो, कौन है रे तू? मैं यहाँ की सेठानी बोल रही हूँ। तुम्हारे सीनू को जल्दी से यहाँ भेज दो। ना भेजू तो बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। कितना लॉस? लाख, 1 लाख रुपए का। वहाँ लाख नहीं होता है ना? तुमको समझ में आया इसीलिए रुपए कहा। अच्छा, कौन है? दुबई का सेठ है, मेरे भाई को जल्दी भेजने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। ये लीजिए, डाउट है। हेलो, दुबई के शेख का आपको नमस्कार है साहब। फोन में सुन रहे हैं, आप सब लोग दुबई आ जाएं, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अब तो कबाड़ा है। त्रिमूर्ति नाम का एक मोस्ट टैलेंटेड आदमी आपके घर में रहता है, ऐसा मुझे पता है। अगर वो यहाँ आएगा तो शीनू को बहुत अच्छा लगेगा। उसे सोने के लिए ऐसी प्रोवाइड कीजिए और हर दिन कॉफी दीजिए। वो भी फ्यूचर में बहुत बड़ा जेंटलमैन बनेगा। उसे आप लोग ज्यादा धूप में मत भेजो और हर एक घंटे के बाद फ्रूट जूस दो। धूप में जाने से काला हो जाएगा, फ्रूट जूस से नहीं। इस तरह का झूठ बोलकर सबको फंसाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? बात दरअसल वो, अबे चुप।
इसका बहुत खराब फ्लैशबैक है भैया, उसको बहुत ही खराब नैरेट किया है। बताता हूँ मैं आपको, तीन अंकों में बताता हूँ। ये दुबई जाने के लिए मुंबई गया था, इसे वहाँ पर किसी ने धोखा दे दिया तो ये वहाँ सेटल हो गया। मैं सच कह रहा हूँ भैया। मतलब ये ऑयल बाउल्स ये सब झूठ है ना? मेरी बात समझने की कोशिश, अपनी शक्ल मत दिखाओ। वो क्या है कि जो हुआ वो बताता था, तुमको दुख होता है इसलिए मैंने। जो सच है वही तो बताया। ओके ओके, यहाँ कुछ काम देता हूँ, कर लेना। थैंक्स जीजा जी। लेकिन वो क्या काम करेगा? जो कहोगी वही करेगा। क्यों रे, करेगा ना? हाँ करूँगा। आज से इसका एसी रूम में सोना बंद, बेड कॉफी भी बंद। क्यों रे, अब तू क्या करेगा? आप जो बोलेंगे वैसे होगा दादी जी, रोज एक वक्त खाना। हाय। ए रुको रुको, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? परसों आके गए और लड़के को पता नहीं कहकर भाग गए, फिर आ गए तुम लोग। ये सब अच्छा नहीं है गुरु। आपके लिए आए हैं सर। मेरे लिए? तुम अंदर नहीं जाओगे। ए रुको, तुम अंदर नहीं जा सकते। अरे मुझे जाने दीजिए। नहीं जाने दूंगा। अरे तो दोनों को जाने दीजिए। अरे नहीं जाने दूंगा, कह रहा हूँ ना, तुम चले जाओ। अरे मैं कह रहा हूँ, सुन ही रहे आप? मैं इसे जानती हूँ। चलो अच्छा हुआ तुमने कह तो दिया, हर बेवकूफ को कहना पड़ता। अरे नहीं नहीं, आपको नहीं सर, इसको कहना। ये बहुत मजा किया है गुरु। वो तो ठीक है, आप उस दिन रेलवे स्टेशन क्यों नहीं आए? ऑटो के लिए पैसे नहीं थे। मत कर। ठीक है, हम रेस्टोरेंट में जाके बात करेंगे। सीनू पैसे है कि नहीं? सुनो सीनू, तुम मामा जी के बारे में नहीं जानते, वो बहुत ही जालिम है। मैंने शादी के लिए मना कर दिया तो उन्होंने पिताजी को सीढ़ियों से धकेल दिया। मेरी वजह से तुम मुसीबत में आ जाओगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन तुम मुझसे डर रही हो, इतना कह सकता हूँ डरो मत, तुम्हारा डर मैं निकालूंगा। ऐसा कुछ करूंगा कि डर चला जाएगा। तुम इसके बारे में सोचना बंद कर दो और फिर मेरे एप्लीकेशन के बारे में सोचो ना प्लीज। तुम्हारा दुबई जाने का सपना कभी पूरा नहीं हो सकता, ये जानते हुए भी तुम कितनी कोशिश कर रहे हो, कितनी हिम्मत है तुम्हें। हिम्मत के बिना कुछ नहीं होता, यही तो आशा है, वो क्या कहते हैं इंग्लिश में, होप। Many many happy returns of the day. Many many. सब क्या है यहाँ पर? कोई डिस्को चल रहा है यहाँ पर? क्या कर अपना काम देखो तुम लोग। Many happy returns. सब आप पर हंस रहे हैं, ये सब क्या गड़बड़ है? आज मधु का बर्थडे है। तो क्या हुआ? तो क्या हुआ? उसको पार्टिसिपेट नहीं किया तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। कौन कमीशन कर रहा है? वही रे। वो सोनू। हाँ रे। ठीक है, आप उस लड़के को विश करना चाहते हैं ना? कैसे कहेंगे बताइए? बहुत प्रैक्टिस किया, हाँ? फाइनल में एक फिक्स किया। क्या है बताइए बताइए? हैप्पी बर्थडे टू यू। ऐसा सब करते हैं, कुछ अलग होना चाहिए ना, बर्थडे पार्टी है ना, हाँ। तो गाना होना चाहिए, हाँ। और सुनो, मधु जब केक काटेगी ना, हाँ, मैं लाइट बंद कर दूंगा, हाँ। सब लोग शॉक हो जाएंगे, शॉक हो जाएंगे। फिर मैं लाइट ऑन कर दूंगा, तब आप गाना शुरू कर देना। चैंपियन की बोतल कहाँ है? जन्मदिन की शुभकामनाएं छोटी सी गुड़िया, तुम जियो हजारों साल ऐसे ही, तुम जियो हजारों साल। अब क्या हुआ? सिचुएशन सॉन्ग ही तो है ना? ऐसा लग रहा है एक बाप अपनी बेटी को दुआ दे रहा है। कोल्ड डाउन। हाँ। हो तू कमाल की है हसीना दुर्गा, क्या बात है, मैं हूँ तेरा दीवाना, सुन ले। चलते रहो। तुझे बर्थडे की बधाई देने आया, क्या बात है, तुझे जन्मदिन मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अरे ये नया है, कुछ अलग करो, ये फिक्स है, चेंज करो। ए दुर्गा, मेरा ड्रेस अच्छा है ना? सुपर सर, पूरी पार्टी में लोग आप ही को देखेंगे, इसका क्रेडिट तुमको जाता है यार। इसमें क्या है सर? क्या रे दुर्गा, सीनू यहाँ आएगा क्या? अगर वो आ गया ना सर, वो तो सिर्फ आपका ड्रेस ही देखता रह जाएगा। याद है ना? पक्की बात? याद है ना? याद है। गा के बताओ। तू चीज बड़ी है, रुक जा रुक जा रुक जा रुक जा, तू कमाल की है। आ गई आ गई। थैंक यू। मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न फॉर द डे मधु माय डार्लिंग। थैंक यू। तुम्हारे लिए ये खास गुलदस्ता बनवा कर लाया हूँ। वैसे भी गुलदस्ते के उन लोगों ने पैसे नहीं लिए आपसे। चुप रह। क्या अभी तक केक नहीं काटा? वो दरअसल मेरा इंतजार कर रहे थे क्या? लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट अस स्टार्ट। आपने स्टार्ट बोला और लाइट चलेगी? आपका बैड लक चल रहा है क्या? Beautiful, fantastic, wonderful. आखिर हीरो ही होता है। Wish you happy birthday. Thank you. इधर आ। हाँ। मैं तुझे से कह रहा हूँ, इधर साइड में आ। क्या है? वो लड़की कह रही कि तुझसे प्यार नहीं करती, तो क्यों पीछे पड़ा? काम धंधा नहीं है? अरे मैं अपनी कोशिश किए जा रहा हूँ, आपको क्या तकलीफ है? इज्जत से समझा रहा हूँ फिर भी समझ नहीं रहा? हाथ क्यों उठा रहे हो? पुलिस की मार कैसी होती है, अभी टेस्ट कर रहा हूँ। क्या दुर्गा? पुलिस की धमकी? हाँ। यहाँ पे तुम क्या गोल खिलाने आयो मालूम है? इसी पार्टी में, यहाँ पे तेरी धुलाई करता हूँ। मुझे मारने वाला मर्द पैदा नहीं हुआ। तेरे को मारने के लिए मर्द नहीं, औरत चाहिए रे। लेडीज से अच्छा कॉन्सेप्ट है, मार खिलाओ देखते हैं। मैं औरत नहीं हूँ रे। वो करना नहीं, औरत के हाथ में पापड़ बन जाएगा। टेंशन में खुद भी बके जा रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा है, वो सीरियस है। फोन को भी अभी आना था।
हेलो हेलो तुकराम जी। यस, एक बार महिला समाज को फोन देंगे प्लीज। आप कौन बोल रहे हैं? मैं को जानता हूँ जी। मैडम जी आपका फोन। हेलो। क्यों रे छविया, कैसी है तू? हा? कौन है रे तू? अरे बड़ी जोर से कमर हिला रही है तू। हा? क्यों रे, कहाँ से बात कर रहे तू? इधर से, यहीं से बात कर रहा हूँ मैं। कहाँ है तू? तुम्हारे आँखों के सामने हो और वो चाहिए क्या? तू कमाल की हसीना। ये फोन भी हमेशा बजते रहता है। हेलो तुकाराम जी नमस्ते। यस नमस्ते। कल्पना मैडम को दीजिएगा। डायरेक्ट उसे नहीं कर सकते, उसका बैटरी लो है। आप कौन है? उनको अच्छे से मालूम है, उसका बैटरी लो, सर्कल हाई। कल्पना जी। हेलो कल्पना जी, कैसी हैं आप? कौन है भी तू? अरे बाप रे, आप हमें भूल गई। पागल जी से बात करोगे तो भाई को कहकर शूट करवा दूंगी। अरे भाई क्यों, तुम ही शूट कर दो। कहाँ से बात कर रहा है तू? इसी पार्टी में हूँ, ढूंढ सके तो ढूंढ लो। तू कमाल की है हसीना। अब तक कुछ लोगों ने सस्ती सस्ती गिफ्ट देकर मधु को खुश करने की कोशिश की है, कैंडल जलाकर इंप्रेस करने की कोशिश की। मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं अपने टैलेंट से उसके दिल को जीत कर रहूंगा। मैं एक सुंदर सा दिल को छू लेने वाला गाना गाने वाला हूँ। तू कमाल की है हसीना, मैं हूँ तेरा दीवाना, सुन ले तू है जानम मेरी, सुन ले मुबारक हो। मुझे लगता है फोन पर जो गा रहा था वो यही है। रुक जा। क्या? ये तुम गाना क्यों गा रहे हो? इम्प्रेस करने के लिए। किसको? अपनी मधु को। तो ये सब मधु के लिए था? रोज करता हूँ। तुझे बहुत मस्ती चढ़ी है क्या? अत्रिया निकाल के हार बना दूंगी। ए, क्या बकरी है, जानती है मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ पता है? महिला मंडल की डायरेक्टर। और तू जानता नहीं है कि मैं DSP की बहन हूँ? तुम्हें पता है कि मैं जान जाने पर भी मत बोलना, अपनी वर्दी बचाओ। इनको जो करना है करने दीजिए और खत्म कीजिए। होगी महिला मंडल की, होगी DSP की बहन। बोल तू कौन है? पिताजी, पिताजी। अंकल मेरे पिताजी को देखा? मुझे मालूम नहीं। क्यों आज जल्दी आ गई, मुझे देखकर घबराई क्या? आप अभी कहाँ से आ रहे हैं? हॉस्पिटल से। हॉस्पिटल से? बाबा जी ने तुम्हारे पिताजी को सीढ़ियों से ढकेल दिया था। कल मैंने पेपर में पढ़ा, डॉक्टर राजगोपाल करके एक बड़ा ऑर्थोपेडिक USA से आया है और एक दिन के लिए यहाँ पर है। और उन्होंने पिताजी को देखकर कहा कि उनके दिए हुए मेडिसिन और एक्सरसाइज अगर रोज करते हैं तो एक साल के पहले ही वो चलने लगेंगे। ये बात आप पहले भी कह सकते थे ना? वो कहने ही वाला था, उसने तुम्हें एप्लीकेशन दिया है ना? एप्लीकेशन? अरे वही रेडियो मिर्ची में मैंने पोस्ट अप्लाई किया था ना, तुम देखती तो घबरा जाती, इसलिए मैंने नहीं बताया, क्योंकि पोस्ट बहुत ही मामूली है और इसलिए मैं नहीं चाह रहा था कि तुम्हें पता चले। ऐसी अच्छी पोस्ट तुम जैसे आदमी को नहीं तो और किसको देगी मेरी बेटी? बरिस्ता, नाम तो अच्छी है। मैंने कुछ ऑर्डर किया है क्या? नाम तो उसकी अच्छी है, ये कोई मामूली पोस्ट है क्या? ऐसे पोस्ट के लिए तो मैं बहुत काबिल हूँ। तो निकम में जिंदगी भर तुम कोड वर्ड में ही बात करते रहोगे। यहाँ बैठकर बातें करेंगे, आइसक्रीम खाएंगे। दो आइसक्रीम। लो। तुम भी लो। आपके गाल पे कुछ लगा है? क्या है, कुछ रैश है क्या? पास आइए। वो निकल रहा है क्या? सुबह से बहुत तकलीफ है। देखिए 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 ना, ये दे देखिए। सपना सपना कितना नेचुरल है, ये छाता, ये एटमॉस्फेयर कितना खुशबूदार है। अरे कौन है बोलो? अरे आइसक्रीम भी लगता है जैसे खा। अरे तू भी यहीं पे, चल तेरे से शादी कर लो। अरे एक फूल ऐसे पकड़ो तो सपना आता है, देखते रहो देखते रहो। ये सपना नहीं हकीकत है। यकीन नहीं हो रहा मुझे। हाँ ये सच है। हाँ मुझे यकीन नहीं हो रहा। अरे अरे सुनो, तुम्हारे गले पे कुछ है। अरे वहाँ ये नीचे। Listen to this cat. Come on, come on. खोल दिल का राज गोरी, इश्क का कर आगाज गोरी, बोल दे राजा मैं हूँ तेरे दिल का। खोल खोल तू बजाने चाहे, शोर शोर तू बजाने चाहे, खोलूंगी
हुस्न तेरा नूरानी दिल दिया मैंने तुझको इश्क का कर आगाज गोरी बोल दे राजा मैं हूं तेरे दिल का की स्ट्रॉबेरी मुझको चखा दे एक बारी इतना दूर दूरी इतनी बातों की सुंदरी तू है परी तेरी अदा है मतवारी रह जा तू ब्रह्मचारी कर बना जानी दिल में तो आजा गोरी चोरी चोरी प्रेम करेंगे चल चोरी चोरी दिल में तो आजा गोरी चोरी चोरी दूर हटो जाओ चल चार घर से लगे हैं टूट गोरी और मैं चार से सुंदरी तेरा मेरा मेल संभव नहीं चलो हटो मुझे जाने दो खोल खोल दिल का राज गोरी इश्क का कर आगाज गोरी बोल दे राजा मैं हूँ तेरे दिल का गोरी बोल दे राजा मैं हूँ तेरे दिल का तू है बड़ा बेसब्र सा लगता है जल्दी में है क्या दिल है तेरा दीवाना बिन तेरे ये माने ना दिल बड़ा दिल पे अड़ा काहे तू मेरे पीछे पड़ा कुड़िया जरा गल तो बढ़ा होने दे लफड़ा बुखार नहीं भूत चढ़ा जो है आशिक तेरे हुस्न का मार गई मुझे तेरी अदा उफ ये जानलेवा जलवा खोल खोल दिल का राज गोरी इश्क का कर आगाज गोरी बोल दे राजा मैं हूँ तेरे दिल का ढोल ढोल तू बजाने चाहे शोर शोर तू बजाने चाहे खोल बिना मैं राज मगर दिल का सर जिस मुर्गे की तलाश में आपने मुझे भेजा था वो मुर्गा कल मुंबई में आ रहा है मुंबई से अनआइडेंटिफाइड कॉल है सर इस कॉल के बाद इस नंबर से प्रदीप और उदय के लिए चार बार कॉल आया मीना भाई सिटी में आ रहा है उसका टारगेट है मटका भाई और उसका भाई सभी पुलिस स्टेशन में इन्फॉर्म कर दो सारे चेक पोस्ट पे सभी को अलर्ट कर दो सर पूरे शहर में नाकाबंदी कर दो मटका किंग का भाई कहाँ होगा No.
फोन भी काम नहीं कर रहा है। रात से गया है, पता नहीं क्या हुआ मेरे भाई को। तुम कुछ भी सोचो भाई, मुझे तो डाउट लगता है। मटका नायक जी ना भाई। थैंक यू मटका, मेरी आवाज अब तक याद है। भाई अब तक घर नहीं आया इसलिए डर रहा है क्या? वो मेरे पास है, ले बात कर। भाई आप कुछ तो बोलो भाई। छोटे तुझे कुछ नहीं होगा, फोन जीना को दे। ये तो छोटे बच्चे की तरह रो रहा है। जीना भाई गलती हो गई, तुम्हारा शेयर तुमको दे दूंगा, तुम कहो बोलो अभी भिजवाता हूँ। पुलिस है ना, तेरे घर के सामने ब्लैक स्कॉर्पियो है, देख ले उसमें कादर बैठा है, पैसे उसे दे। जिन्ना भाई जैसा कहोगे वैसा करूंगा। फोन कादिर को दे। जिन्ना भाई पैसे मिल गए? दे दिया भाई। ठीक है निकलो। जिन्ना भाई मैंने शेर भेज दिया। एक बात गौर से सुन ले, शेर की गुफा से खरगोश वापस चला गया तो शेर अपने आप में मर जाएगा, समझा? वन टू थ्री, थ्री सेकेंड, छह, टू फास्ट। बॉडी भेज रहा हूँ, इंतजाम कर लो। जाने वाला तो चला गया, उसकी परेशानी भाई था, वो शैतान है, शैतान है भाई। ऐ चुप कर। This is too much. 1470 आदमी सिविल फोर्स, 600 आदमी टास्क फोर्स, उसके बावजूद भी एक आदमी को हम शहर में आने से नहीं रोक सके। जो सोचा उसमें वो सक्सेसफुल हुआ, एटलीस्ट अब उसे इस शहर से बाहर मत जाने देना। जिन्ना भाई आपका इंतजार है, कैश कहाँ लेके आऊँ? कादिर तुम मत आना, तुम पर पुलिस की नजर है, किसी नए आदमी के साथ में भेज दो। ठीक है भाई ऐसे ही करूँगा। Yeah.
नो भाई, नो बचा बचा, नो नो भाई, नो बचा मुझे भाई, प्लीज नो नो Surround the place. मैं अब सीए भक्ति जी के पास जा रहा हूँ, तुम बराबर मेरे टच में रहना, फोन रखता हूँ मैं। जिसने भी मारा होगा बहुत सोच समझ के मारा होगा। समझ गया, ढूंढ ढूंढ के एक बड़े क्रिमिनल को मारा। सीए भक्ति जी सहानुभूति जता रहे हैं उसका। मैं क्यों उसे सहानुभूति दूंगा, अभी आप ही तो बोल रहे थे कि सोच समझ के मारा। मैंने तो यूं ही कह दिया। अब लाश की क्या हालत है? न हिलने की हालत में है। सब केस की तरह ये केस भी आप रफा दफा करने का सोच रहे हैं क्या? रफा दफा करते हैं, ये कोई ऐसा साधारण आदमी नहीं है, जिन्ना भाई का आदमी है। जिन्ना भाई का आदमी? ए कैमरा सेंटर में ले, सब लोग सुन लिए, एक खतरनाक क्रिमिनल को मारा है, इंसान के रूप में राक्षस था। सीए भक्षी जी ने उस आदमी को भाई बोला है, इसका मतलब है कि ये दोनों मिले हुए हैं, ये जिन्ना भाई का ही आदमी है। आज गुंडा राज बढ़ गया है इस राज्य में ही नहीं बल्कि इस देश में। हम लोग गुंडा राज नहीं होने देंगे और हमारी जनता को लगता है कि हमारे सामने हाथ जोड़ रहे हैं। अरे हाथ जोड़ू ऐसा कौन है यहाँ पर? ये न्यूज सुन के आ जाओ। लोक हियर, यस सर। ये पैसे लेकर यहाँ सब क्लियर करके इस डेड बॉडी को मौजरी में लेकर आओ। लेट्स गो। मी सर, यस। ये सब हत्याएं कौन कर रहा होगा? ये सब पैसे किसके होंगे? हमें ये मालूम है कि जीना भाई और मटका नायक के बीच दुश्मनी है, लेकिन मटका नायक की हत्या पहले हुई है, उसके बारे में हम छानबीन कर रहे हैं, बट जैसे ही पता चलेगा हम आपको बता देंगे। ओके, वो पैसा अगर मुझे मिलता तो अच्छा हो जाता, लाइफ सेटल हो जाती। सुन लिया, जब हमें इतने पैसे मिलेंगे तो गुनहगार को छोड़ देंगे, जिससे हमारी हमेशा के लिए लाइफ सेटल हो जाएगी, ऐसा बख्शी साहब कह रहे हैं। तुम्हें तो सुन लिया ना आपने, सीए बख्शी साहब मीडिया को धमकी दे रहे हैं, हम इससे नहीं डरेंगे और हम इस बात को पार्लियामेंट में जरूर उठाएंगे। तुम मेरे मुँह क्यों लग रहे हो? छोड़ दो मुझे, छोड़ो, जाने दो, मैं जा रहा हूँ, मैं चला। जीना भाई, आपको तो पुलिस कुत्ते की तरह ढूंढ रही है भाई, आपको यहाँ रहना अच्छा बात नहीं है भाई, आप जल्दी से मुंबई चले जाओ, हम लोग उसको देख लेंगे। चुप या गिरी, एडवाइस मत दो, जो कह रहा हूँ वो करो। तुम और तुम्हारे आदमी क्या करोगे मुझे मालूम नहीं, उस कादिर ने मेरे भाई को मारा है साले ने, वो दोनों मुझे जिंदा चाहिए, उन दोनों को खल्लास कर दूंगा तभी यहाँ से जाऊंगा। हाँ सुनिए बख्शी जी, बख्शी जी, बख्शी जी, बख्शी जी, आप अंदर नहीं जा सकते। कौन सर? शीनू है सर। अंदर तो बख्शी जी है ना, इतना ही है ना, फोन कर दिया होता तो बाद में आते ना। सच में वो क्या सोच रहा है ये तुम पता करो और मुझे बताओ। फोन खोल रहा है ना सर आपका, जाकर डाल दो उसको। जी, उससे मुझे क्या, गोबर में पत्थर डालोगे तो वो हम पर ही उछलेगा। लेकिन आप तो लोमड़ी जैसे लग रहे हो सर। मैं लोमड़ी जैसा हूँ क्या? मैं शेर हूँ शेर, अगर चार कदम आगे डालता हूँ तो दो कदम पीछे भी हटता हूँ। बिल्ली के गड्ढे में गिर जाता है। मधु, मधु आइए मामा जी। वो रोज यहाँ आता है क्या? पता नहीं किस बेवकूफ ने उसे एड्रेस दे दिया है। उसे कोई नहीं बताता तो भी पता कर लेता, वो बहुत जिद्दी है, जाने दो। मैंने कहा था ना उससे बात मत करना। मैं नहीं बात करती, वही मुझसे बात करता है। क्या बात करता है? मुझसे प्यार करता है। फिर तुमने बताया नहीं कि तुम मुझसे प्यार करती हो? कैसे कहती, पर मुझे नहीं लगता मैं आपसे प्यार करती हूं। फ्यूचर में तो लगेगा ना? जरूर लगेगा। मुझे तो डाउट है। डाउट? कैसा डाउट? वो मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। अब वो डिस्टर्ब नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। बख्शी बाबा, मतलब ये बाबा? हाँ रे, अपना सेठू बाबू। अरे बैठ के पीना बोले तो मैंने बुला लिया। मेरी राइट आंख फड़क रही है। बंधक आ जा। बाबा जी का स्टेमिना कितना है? दो बैग ना फुल। दुर्गा तुम थोड़ी देर के लिए अंदर जाओ। अरे रहना दोरा, वो भी दो पैक लगाएगा। पर्सनल है, प्लीज प्लीज जाओ अंदर। थोड़ा संभाल के, मैं देख लूंगा इसे। जा दो। आपके लिए कह रहा हूँ। अरे मैं उसे देख लूंगा ना। जा रहा हूँ ना। तुमसे बहुत सी बात करनी है यार। अरे तो बात कीजिए, उसमें क्या है।
अरे बख्शी जी क्या कर रहे हैं? बख्शी जी बख्शी, अरे उठिए उठिए उठिए, मेरी बात क्या कर रहे हैं आप? बख्शी जी अरे सुनो श्रीनु, तुम सेकंड हैंड मत लो, मधु मुझे चाहिए, वो तुम्हारा प्यार नहीं है। मैं उसे बचपन से जानता हूँ, अपने हाथों से बड़ा किया है उसे, मैं बचपन से प्यार करता हूँ। लड़के को अपने हाथ से बड़ा किया, उसको प्रेम कैसे? कोई कोई होता है मेरे जैसा, तुम्हारा क्या है? तुम जवान हो, तुम्हें कोई भी मिल सकता है, मेरा तो काउंटडाउन स्टार्ट हो गया है। तुम कहो तो तुम्हारे लिए कोई नई सेटिंग करवा दूं। बोलो कौन चाहिए? सौम्या, सपना, अनुपमा, ये सब कौन है वे? लावण्य कंपनी के है। कंपनी है? हाँ सर, विक्टोरिया रानी। ये कौन है? हाउस वाइफ, फैमिली लाइफ वेल एक्सप्रेसिव भी है। ठीक है, तुम्हें रावण के बारे में मालूम है? थोड़ा सा पता है। बड़ा विलेन है, 10 सरों वाला, एक को काटो तो दूसरा आ जाता है, पावरफुल। ये कहाँ से आया बीच में? ये सब लक्षण तेरे में भी है। थैंक यू भैया। लेकिन है क्या बुरा हुआ? मर गया साला। बुरा? तुम्हारे जैसे एक का ध्यान रखे और कमीनापन किया। अरे भाई ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे उस लड़के की उम्र क्या है और तेरी उम्र क्या है? अरे तू खाना खा रहा है कि घास खा रहा है? तुम्हारे लिए तो वो क्या एक्सपीरियंस वाले, क्या नाम है उसका रे? विक्टोरिया। हाँ उसके पास जाना चाहिए। तुम्हारे आगे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब मुझे छोटा मत समझो। मैं बड़ा शातिर खिलाड़ी हूँ, मैं सबको अपनी उंगली पेना चाहता हूँ राजकल। क्या बे, पहले तो बहुत छेड़ो जी बाबूजी, लड़के सप्लाई करता हूँ कह रहा था और अब साला एकदम राजकल पे आ गया तो साला लोमड़ी के मुहरी पी के मुझे गाली देता है। छोड़ो बाबू, बाबू छोड़ दो, अरे बाबू छोड़ दो प्लीज, छोड़ मुझे रास्ते पे, साला छोड़िए ना, मैं कहता हूँ छोड़ दीजिए। ये आड़ी अच्छा है, ये आड़ी अच्छा है सारा, ये तेरी तब। अरे मत मारिए, अरे कचुंबर कचुंबर बना लूंगा साले, ज्यादा फोकट पे बोलेगा तो। थैंक्स बाबू। सर जब मधु तुझसे प्यार नहीं करती तो तू क्यों उसके पीछे पड़ा है यार? फिर से मधु के आसपास देखा ना तो फिर कचुंबर कचुंबर बना दूंगा। अगर देखे तो डेड बॉडी स्पॉट से बैंक 3 किलोमीटर की दूरी पर है। आई विटनेस के कहने से ऐसा लग रहा है कि किसी एक ने ही अटैक किया है। वो कौन है क्या मालूम, पर वेरी बैड फेलो सर। तुम्हें कैसे पता? ऐसे ही मर्डर किया इसलिए कहा सर। जीजा जी चाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारे डीसीपी मेरे जीजा जी हैं। जीजा तुम इसे पहले से जानते हो? हाँ जानता हूँ ना सर। कैसे? अरे पार्टी में बहुत पापड़ खाया। पकोड़ा? हाँ वो उस दिन रेडियो मिर्ची की पार्टी में पकोड़ा खा रहा था ना, सब पकोड़ा खत्म हो गया तो आपके साले साहब ने सबको पकोड़ा खिलाया था। अच्छा याद रखा, चाहिए तो बोलना फिर से दूंगा। हाय सिनु कहाँ है? वो ऊपर है। आप कौन? मधु। जीना भाई के भाई को पेरू ने मारा है। मधु मधु मधुमती। मधुमती मतलब लड़की? लड़की है वहाँ? अभी आई है। अभी आई है मतलब? अभी आने के लिए कहा होगा। व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। सॉरी सर। हाय सिनु। अरे बाप रे डायरेक्ट यहाँ पे कैसे? दरवाजा खुला था इसलिए आ गई। तुमने मरवा दिया। इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? तुम भी लाइव प्रोग्राम में डायरेक्ट आ गए थे तो मुझे ऐसे ही टेंशन हुआ था। टेंशन क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये घर इसका खुद का नहीं है, दूसरे का है। किसी ने देखा तो नहीं ना? हम देख रहे हैं। अब मैं क्या करूँ यार? अबे डर मत, सीधा खड़ा रहे। सीनू ये लड़की कौन है? मैं मधु, मैं रेडियो मिर्ची में जॉकी हूँ। सीनू ये कौन है? मेरी दीदी। नमस्ते। ओह गुरु की दोस्त बहुत हॉट है मम्मी। सीनू तुम्हें मैं बताता हूँ, ये दोनों बहुत क्लोज है, इस मोमेंट पर है कि एकदम डीप चले गए हैं। पिक्चर के हीरोइन जैसी है, जोड़ी बहुत अच्छी है। किसकी लड़की है? हमारे सिनू की होने वाली बीवी है। सिनू ये कौन है? इजिप्ट की मम्मी। मेरे घर में रहकर मुझे ही गाली दे रहा है? गाली नहीं दे रहा है, इसकी दादी लगती हुई कह रहा है। सही कहा ना? भाई की शादी नहीं होनी चाहिए इसलिए श्राप देती थी। अब देखा कैसे ऐश्वर्या जैसी बहू लेकर आया है। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, शादी के पहले मैं भी शर्मिला टाइगर थी। ऐसे कहते हैं अगर ऐसा नहीं होता तो जितना मुश्किल हो जाता तुम्हारे जैसे लोगों के लिए। जीजा जी मीटिंग में है, आने के बाद पहचान करूंगी। चलो कहाँ जा रहा है? सर 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 थोड़ा देख के चलो, सर थोड़ा देख के चलो। दुर्गा सर। मधु आई अंदर। देखा सर, ऐसे खुश होकर क्यों बोल रहा है? ये क्या सर, मैं इतनी दूर से देखने आया आपको। मेरे लिए नहीं आई है यार। फिर सीनू के लिए। सीनू के लिए? हाँ। वो कहाँ पर है? वो डीसीपी का साला है ना। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, आप तो साइड हो गए जी। अंदर क्या हो रहा होगा? और क्या होगा सर, वो लड़की काम करने इतनी दूर से यहाँ पर आई है, वो श्रीनू है ना, वो चुप थोड़े ही बैठेगा। तो फिर क्या करेगा? जूस देगा। मधु जूस। बाद में क्या होगा सोच लो आप। जूस देने से क्या होगा? वो आपकी जनरेशन में होगा। फिर आप क्या करेगा? उसके ऊपर गिरा देगा।
अब क्या होगा? वो पकौड़ू कहेगा बाथरूम में जाके फ्रेश हो जाओ, वो शरीफ लड़की बाथरूम के अंदर जाएगी, फिर पीछे से वो भी अंदर जाएगा और बाथरूम की कुंडी लगा देगा। मिलना धड़कनों का मचलना है इश्क का जलवा यारा, नीलों का जाना चैन कहीं खो जाना है इश्क का जलवा यारा, ख्वाबों में तेरा चुपके से आना चोरी से जाना, दिल बोले मेरी यादों में आना सांसे महकाना, दिल का आना दिल का जाना का मिलना धड़कनों का मचलना है इश्क का जलवा यारा, नीलों का जाना चैन कहीं खो जाना है इश्क का जलवा यारा। चाय पीरो सर, ठंडी हो जाएगी। यार दुर्गा, उस श्रेणी में ऐसा क्या है जो मुझ में नहीं है? दो तीन बताऊं क्या? लाफ्टर चैलेंज में आया क्या? डिप्रेशन में है सर, थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा। नो डाउट, मधु अपनी साइड है, वो श्रेणी ही गड़बड़ कर रहा है। ना भाई दुर्गा, जल्दी से जाकर सिगरेट का पैकेट लेकर मेरे पास है ना सर, नहीं तो नारियल पानी लेकर आ। चाय है तो नारियल पानी क्यों? चाय में मिलाकर पीऊंगा इसलिए। बहुत टेंशन क्या बोला ना? जा। आई तो रहा हूँ ना। नमस्ते भाई। बैठो। ओवर एक्टिंग मत करो, मेरा भाई मर गया है और तू यहाँ बैठकर खुशी से चाय समोसे खा रहा है। भाई मर गया इसलिए दो दिन से अनाज का एक दाना मुंह में नहीं गया, सिर में दर्द हो रहा था इसलिए चाय पीने चला आया।
रात भर नींद नहीं आई, देखो आंखें कैसी सूज गई है, देखो ना। ये आंखें नींद से नहीं, शराब पीने से सूजी है। ऐसा नहीं है भाई। उस कादिर ने मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मारा है, मुझे वो चाहिए। वो कहीं भी छुपाओ, मुझसे बचकर नहीं जाएगा भाई। पुलिस आपके पीछे पड़ी है, आप जाओ भाई प्लीज। अगर वो नहीं मिला तो तू अंजाम जानता है ना। नमस्ते सर। आओ ना मधु, बैठो। सॉरी सर, आपको परेशानी हुई। ये रहे 2 महीने की ईएमआई। ये क्या है, आपका लोन तो क्लियर हो गया है, रिसिप्ट भी भेज दिया है। क्लियर हो गया, किसने किया? एक मिनट मधु। ये श्रीनिवास राव, वही मधु दाढ़ी रखता है, शीनू बोल के आकर क्लियर किया। हाय मधु। हाय भानु, तुमसे ना एक इम्पोर्टेंट बात करनी है। क्या है? परसों गैंगस्टर जीना का जो भाई है ना अजीज, उसका मर्डर हुआ था। मैं कवरेज के लिए गई थी। उसने जरूर कुछ गलत किया था, इसलिए वो पुलिस से बचकर भाग रहा था। वो क्या है ना, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो ना, इसलिए मैं सब कुछ तुम्हें बता रही थी। जीना भाई कहाँ पे? बोल। जीना भाई कहाँ रहता है? ये कादिर भाई के अलावा कोई नहीं जानता। कादिर घर खाली करके भाग चुका है, कहाँ वो? मुझे नहीं मालूम। नहीं, कादिर भाई हर जुम्मे के दिन किसी भी हालत में हर शुक्रवार को मक्का मस्जिद में पहली नमाज को जरूर आते हैं। कादिर, जीना भाई कहाँ है? बताओ सीनू, जिस जगह जीना का भाई मारा गया वहां तुम क्या कर रहे थे? तुम किसे ढूंढ रहे हो बताओ? बैंक में पैसे कहां से दिए? मुझे तुम्हारे पाप की कमाई नहीं चाहिए सीनू, बिल्कुल नहीं चाहिए। मधु, ये पैसे पाप की कमाई नहीं है, मेहनत की कमाई है। सब कुछ हो, हमारी शादी करा दी, फिर हम कहां गए, क्या कर रहे हैं, इसके बारे में कभी जानने की कोशिश नहीं की। ऐसी बात नहीं है, मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। तुम क्या बोलोगे? मैं अगर सगी बहन होती तो ऐसा मेरे साथ बोलते? बात दरअसल ऐसा नहीं है पूजा, गलती इनकी है। मेरी? हाँ, तुम्हारे घर वालों को मनाने के लिए तुम मेरी बहन को हैदराबाद लेके गए, लेकिन तुम वहां पर पहुंचे नहीं। हां, मेरे गुस्से की वजह से सब लेटर्स मेरे घर वाले ने फाड़कर फेंक दिए होंगे। और हां, आजकल तो सब लोग ईमेल से काम चलाते हैं, और तुम क्या खत भेजने की बात कर रहे हो? कंप्यूटर से मुझे चिढ़ है भैया। पता है, कुछ आता नहीं इसलिए इंग्लिश पे गुस्सा, कंप्यूटर पे गुस्सा। अरे मेरी बात नहीं है, जो हुआ सोचकर वो कितना सीरियस हो गया देखो तो। ए, तुम ये क्या कह रहे हो? अरे मैं क्या बताऊं, मेरी जिंदगी तो खलास हो गई। ये क्या हुआ बेटा? अरे पहले तो मैं दुबई जा रहा था, अब तो दुबई श्रीनिवास बुलाते थे। अरे वो तो नाम ही रह गया। अरे दुबई जाने के लिए दीदी से पैसे लिए, एक बदमाश ने लूट लिया, और उसके बाद क्या पाव भाजी बेचता रहा। बदले नहीं, हाँ मैं भी नहीं बदला यार पोजीशन। तुम घबराओ मत भैया, तुम्हें दुबई भेजने की जिम्मेदारी हमारी। ओके, इसलिए मेरी प्यारी बहन है। अच्छा? मेरी सगी बहन ने पैसा देने से पहले पूछा। हाँ। था कितना दोगे तुम ज्यादा? हाँ, एक्स्ट्रा। अरे मेरी प्यारी बहन। फिर क्या हुआ, अपना मुंह क्यों लटकाया हुआ है? मेरे बारे में तो आपको पहले से ही पता है, वैजा के समय से मैंने कभी किसी लड़की से अफेयर नहीं किया। रहने दे, तेरे से कौन अफेयर करेगा? अरे बात तो सुनो, बंबई में एक लड़की से सेटिंग हुई है, समझे क्या? अब क्या नाटक है? अरे कुछ नहीं, कंप्यूटर इंजीनियर बोला और फिर उसको पता चल गया कि हाँ तुम पाव भाजी बेचते हो, सुनकर भाग जाएगी वो। क्या रे, तुम्हारे सच बोलने की आदत गई नहीं? बुरा मान गए क्या? पता है तुम चुप बैठो ना, जिस तरह से हमारे प्यार में आपने हेल्प की थी वैसे ही तुम्हारी भी हेल्प करेंगे हम लोग। वो दोस्त नहीं रे, पासपोर्ट है, पैसा डालकर दुबई भेजेगा। एक बार वहाँ पहुँच गया ना, काम करके मैं सेटल हो गया ना, सबको एक एक करके बुलाऊंगा। रामकृष्ण, अरे सबको ले जा रहा हूँ तो इसको छोड़ जाऊंगा क्या? चुम्मा। खाना बनाने के लिए चाहिए ना। अरे मधु जी, आप गाँव नहीं गए क्या? मैं क्यों गाँव जाऊंगी, वो मैं और तुम गाँव गए थे, ऐसा झूठ बोला था। झूठ बोला? पर क्यों? तुम जैसे लोगों से मधु का पीछा छुड़ाने के लिए। चलो मधु, तुम चुप रहो। सीनू, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मुझे मालूम है आप मुझसे क्या बात करना चाहती हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहकर झूठ बोलकर पावभाजी सेंटर में काम करते हो यही ना? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है,
मेहनत का कोई भी काम गलत नहीं होता। मैं गुस्से में चली गई थी क्योंकि तुमने वो बॉटल्स तोड़ी थी ना। माफी चाहता हूँ। अरे लेकिन किस काम से आई थी? मैं गाँव गई थी अपने भाई के लिए। भाई के लिए? वो यही एक कंपनी में काम करता था। एक दिन उससे वहाँ मिलने गई तो वो वहाँ नहीं था। मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी था। अरे बिल्कुल फिक्र मत करो, तुम्हारा भाई का फोटो दो, मैं ढूंढ के निकालता हूँ। थैंक यू सिनू। मधु एक ही फोटो है, इसे दोगी तो लाइब्रेरी में क्या दोगी? हाँ सिनू, मेरे भाई को सेंट्रल लाइब्रेरी में जाने की आदत है, वहाँ भी ये फोटो दिखाकर ट्राई कर। अरे जीजा जी, अरे सुनो तो। अरे सोनू नहीं, सोना है सोना, जो तुम कहते हो सच होता है। क्या हुआ भैया? अरे सुनो, अरे तुमने क्या कुछ कहा? मैं पाव भाजी वाला हूँ, वो भाग जाएगी ये बात सुनकर, है ना? वो यहीं पे है। ऐसा है? कांग्रेट्स मेनू। कांग्रेट्स। थैंक्स सिस्टर। हाँ बात खत्म हो गई। हाँ मुझे चांस मिलेगा? हाँ बोलो। आई थिंक यू शुड टेल हिम। आप ही कह दीजिए ना। अरे कोई तो बोलो। कह दो ना। अब बाबा तुम मामा बनने वाले हो। एक तो वो न्यूज है और एक ये न्यूज है। मैं बचपन के सारे खिलौने उसको दे दूंगा। अरे क्या बात है। अरे तुम मुबारक हो। अरे जीजू ये कोई मामूली बात नहीं है। yes. जश्न हो जाए। चलो डिस्को। दिवाली होली से बढ़ के भी खुशी हमारी, फूलों से भी हंसी है दुनिया में अपनी यारी। खुशी को चुरा के हंसते हैं हम, गमों को जगा न देते हैं हम। जहाँ जाते हम मुस्कुराता समा, जमीन अपनी है अपना है आसमान। ये सपना सारा अपना। दिवाली होली से बढ़ के भी खुशी हमारी, फूलों से भी हंसी है दुनिया में अपनी यारी। हमसे जो भी पर्सन वो हमको ना कभी
बढ़ के भी खुशी हमारी। तुम लोग दुबई कब जाने वाले हो? कली मेरे छोटे बहन ने पैसे भर दिए, एक हफ्ते में चला जाऊंगा। तुम्हारी सिस्टर वहाँ पर है? मेरी सगी बहन से भी ज्यादा, मेरी फ्रेंड की वाइफ। ओ, मैं भी कल हैदराबाद जा रही हूँ। ऐसे क्या देख रहे हो? मैं बस अपने गांव जा रही हूँ सिनू, तुम्हें छोड़कर नहीं। रेलवे स्टेशन आओगे ना? फैंटास्टिक। बिकॉज ऑफ योर डिफरेंट सोर्स अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लुक आया है। कीप इट अप। थैंक यू सर। ये रहा तुम्हारा अमाउंट। थैंक यू वेरी मच सर। हाँ सर, आज तक इतनी बड़ी अमाउंट मिली नहीं होगी, अब तुम इतने सारे पैसों का क्या करोगे? पिताजी का बैंक लोन है सर, जस्ट वांट टू क्लियर दैट। ओके कैरी ऑन। ओके कूल सर। ओके थैंक यू सर, बाय बाय। थैंक यू सर। बहुत ही शॉपिंग करनी है, पिताजी के लिए कपड़े खरीदने हैं, मधु के लिए गोल्ड्स खरीदने हैं और पूजा पूजा पूजा, अब इस बात को रहने दो। तुम वापस आ गई हो, इस बात का पिताजी को जरूर बुरा लगा होगा। मैंने ठीक कहा ना? जस्ट थिंक अबाउट इट। चक्री, तुम्हारे पिताजी ने जो मुझसे कहा मैंने फील नहीं किया। आई कैन अंडरस्टैंड। तुम्हारी और तुम्हारी बहन की पढ़ाई के लिए उन्होंने कर्जा लिया था, शादी करके जो पैसे आने वाले थे उसी पैसे से वो कर्जा चुकाने वाले थे, इसी बात से गुस्सा थे, मुझसे वो बिल्कुल नाराज नहीं थे। चाय या पूजा? टी? मुझे नहीं चाहिए। पूजा, यू नो समथिंग, यू आर वेरी स्वीट। आई नो, इवन आई नो। थैंक यू। पूजा पूजा। What? The most wanted criminal जीना भाई। हमारा बॉस। जीना भाई और कोई नहीं, हमारा बॉस। Just can't believe this। इतने दिन हमने जीना भाई के साथ काम किया। चक्री, ये बात यही खत्म कर दो प्लीज। तुम्हें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। आई नो हिम, ही इज अ हैदराबादी। उसने बहुत सारे छोटे बच्चों को मारा। ही इज अ जैकल। आई थिंक वी शुड बी रिस्पांसिबल। लेट्स गो टू पुलिस स्टेशन। नहीं चक्री। व्हाट व्हाट आर यू टॉकिंग पूजा? चक्री, यहाँ पे हमने जो मेहनत की है वो तुम्हारे पिताजी का कर्जा चुकाने के काम आएगा। हमारी शादी की वजह से तुम उनसे दूर हुए हो, ये झंझट नहीं चाहिए। प्लीज यहाँ से दूर चलो। सॉरी, तुम सामान पैक करो, मैं लाइब्रेरी में बुक दे के आता हूँ। चक्री, मैं भी आती हूँ। एक्सक्यूज मी सर, ये आपकी बुक। ओके। एक्सक्यूज मी, ये मेरा फोटो है। कल एक लड़की आई थी, ये फोटो यहाँ लगाने के लिए रिक्वेस्ट करके गई थी, और एक लेटर भी आपके लिए छोड़कर गई है। प्यारे भैया और भाभी को। मधु? मधु, मैं तुमसे ही मिलने मुंबई आई थी। मैंने बहुत कोशिश की पर तुम मुझे नहीं मिले भैया। पिताजी का एक्सीडेंट हो गया था, अब वो चल नहीं सकते, इसलिए उन्होंने ऐसे बिहेव किया था। वो तुम्हें बहुत याद करते हैं, तुम्हें और भाभी को देखना चाहते हैं। प्लीज भैया, हम लोगों से मिलने आ जाओ। ये खत पढ़ते ही आ जाना। तुम्हारी बहन मधु। I am so super quick, buddy. Come, let's not waste any time. What the hell is? Shakar! पूजा, यू ओके? श्योर? ओके। डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। पूजा,
सुपर चक्री, यू आर एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट। तुमको तो पुलिस डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। जीना भाई, हम दोनों ने डिसाइड किया शहर छोड़ के जा रहे हैं। हम आपके बारे में किसी को नहीं बताएंगे। प्लीज हम दोनों को मत मारो। मरा हुआ इंसान जिंदा होना जितना इम्पॉसिबल, उतना ही मेरे बारे में जानने वाला आदमी जिंदा रहना इम्पॉसिबल। चकी, चकी कौन है ये लोग? कौन है ये लोग? तेजू, तुम यहाँ से जाओ। भैया, हे पूजा, पूजा, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो, तेजू, छोड़ दो, नहीं तो जाओ। चकी, 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 पूजा, अरे बात करो, छोड़ दो, हे, छोड़ दो, छोड़ दो, तो, छोड़ दो, छोड़ दो पूजा को, छोड़ दो, तो छोड़ दो, नहीं। पूजा, 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 ए, मेरी पूजा को छोड़ दो। पूजा, 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 छोड़ूंगा तुझे। ये बास्टर्ड, मेरे भैया मुझे नहीं मिले, बैड लक। डोंट वरी मधु, लाइब्रेरी में लेटर दिया है ना, उसे जरूर मिलेगा। तुम चलो, ट्रेन का टाइम हो रहा है। सीनू ने कहा था वो आएगा। पूजा, 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 पूजा उठो, पूजा, पूजा मेरी बात सुनो। जीजू, चकी, 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 चकी उठ, चकी उठ, चकी, चकी, अरे चकी उठ, मेरी बात सुनो, चकी, चकी। अरे सीनू, ठीक है ना? मैं ठीक हूँ, तू बता, चल। मेरी फैमिली प्रॉब्लम तुम सॉल्व करना, ये मेरी बहन है मधु। अरे चकी, मधु तेरी बहन है? अरे जिस लड़की के बारे में रोज कहता था वो यही लड़की है, मधु, मधु। अरे मेरी बात सुन, चकी, 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 मेरी बात सुन, चकी। उसको ढूंढ कर मारने का वादा मैंने अपने दोस्त को किया था, इसलिए मैं यहां पर आया हूं। मुझे मालूम है कि वो यहाँ जिन्ना भाई के पास जरूर आएगा। जिन्ना भाई सिटी में आ रहा है सर, उसका टारगेट है मटका भाई और उसका भाई। उसके बाद मैंने जीजा जी से कादिर के बारे में मालूम किया और उसे फिर मैंने फॉलो किया। कादिर ने वहां जाकर उसके भाई को मारा और मार डाला और वो वहां से भाग गया। मुझे तुम्हारे भाई की दोस्ती का फायदा लेकर तुम तक पहुंचना अच्छा नहीं लगा, इसलिए मैंने तुमसे कहा और मैंने तुम्हारे बैंक में जो पैसे भरे वो तुम्हारे भाई की मेहनत की कमाई थी। मेरी परिस्थिति बहुत खराब है सर, पर्सनल और प्रोफेशनल ही कंडीशन खराब है, ऊपर से मुझ पे एक नया बर्डन आया है।
ये अहंकार प्रतिकार भूलकर मुंबई चले जाओ सर। एनी टाइम डीसीपी आकर आपको पकड़ सकता है, ये टेंशन मुझे सहन नहीं हो रहा है सर। बक्सी, टेंशन लेने का नहीं टेंशन देने का, यही अकलमंदी है। ये इंटरनेशनल शॉट आपका ही है सर, ये आइडिया आपका ही है, एंटायर क्रेडिट गोस टू यू। खास बात नहीं है प्रसाद, थोड़ा कॉमन सेंस यूज करो तो सब काम हो जाता है। फायर स्टार्ट, फायर बैक ड्रॉप में टर्न करके वॉक करो। और डायरेक्टर का पंच पता चलना चाहिए, एक्चुअली ये सब तुम्हें पता होना चाहिए। अरे भाई जरा टचअप करो। बता रहे खुद का काम खुद करना चाहिए क्या? हमारा काम आप ही कर देते सर, अल्टीमेटली हमें जो चाहिए वो सक्सेस है। राइट सर। सर स्टिल सर एक्शन भी हो सकता है ना, स्टडी बैकग्राउंड ले लो। स्टूपिड प्रसाद, तुम जाकर बैठ जाओ ना उधर। ए तुम जा रहे? अरे ले जल्दी ले। बाप रे बंदर की तरह उछल रहा है। अरे ला 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 गन गन गन। अरे अब इतने बड़े वेग में तो भालू लग रहा है। अब क्या हुआ? वेलकम। गुड मॉर्निंग सर। क्यों रे रामचंद्र, क्या खबर है? हमारी पिक्चर को उसने 50 दिन के अंदर ही उतार दी। प्रोड्यूसर से बोल के फिर से चिपकवाओ। हाँ मैंने कहा लॉस हो गया, उसका बेयर कौन करेगा? हाँ होने दो, उनका झगड़ा वो सुलझाए। एक प्रेस मीटिंग है। प्रेस मीटिंग थी तो पहले बोलना चाहिए था। सिनेमा की प्रेस मीटिंग नहीं है तो फिर? एक छोटा सा सोशल प्रोग्राम है। मतलब पोलियो का टीका लगाओ और कमर पर ठीक से बेल्ट बांधो, इतना ही ना? वो सब नहीं सर, उस जीना भाई के बारे में। उसके बारे में फुल डिटेल्स मुझे बताओ, डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूलेशन मैं ही बताता हूँ। कोई टॉपिक बाकी मत रखो, प्रेस वाले सारे रेडी है ना? अब तुम लोग जाओ। मेरे प्यारे फैंस, आप सबको राम कुमार का नमस्कार। आज के सारे अखबार में और टीवी चैनल्स पर एक ही न्यूज है, जीना भाई ने इसे मार डाला, इसने उसको मार डाला। और ऐसा डेंजर क्रिमिनल इस शहर में खुलेआम घूम रहा है, पुलिस डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं कर रही है। मेरी पिछली मूवी में मैंने ऐसे ही एक खतरनाक पुलिस वाले का रोल किया था और क्रिमिनल को लेफ्ट हैंड से उड़ा दिया था। आपका राइट हैंड फ्रैक्चर हुआ था। आज ये रियल पुलिस वाले क्या कर रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं। कट देखिए, इमोशन कैरी हुआ ना, या कैमरा एंगल चेंज कर। अरे प्रसाद बोलना। आपने बोल दिया ना सर, अब मेरी क्या जरूरत है? मेरे डायलॉग के साथ फ्रेम टैली कर लो सर। असल में वो जीना कौन है? जीना भाई, उसको एक पागल कुत्ते ने काटा है। वो एक झाड़ की पत्ती की तरह है, मैं उसे उखाड़ कर फेंक दूंगा। वो एक कीड़ा है, उसे मैं मसल के रख दूंगा। ये कौन है? सुपरस्टार राम कुमार, एक बड़ा एक्शन हीरो है। एक्शन हीरो? हीरो। कट 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 कट। सर क्या हुआ, इस लड़की ने ठीक से नहीं किया? अरे संभावना जरा ठीक से मूवमेंट लो ना। आपके मूवमेंट गलत थे सर, उसका सही था। शट अप, व्हाट नॉनसेंस यू आर टॉकिंग। वन टेक आर्टिस्ट हूँ, असिस्टेंट के साथ भी आज तक प्रॉब्लम नहीं आई। प्रसाद सर, ये क्या है प्रसाद? हाँ, ये काम करते हो तो यहाँ पर किसी को रख नहीं सकते। चेंज द मूवमेंट, अदरवाइज चेंज द मास्टर। देखो मास्टर जी, हम जो बताया गया वैसा वो क्यों करेंगे, जो मोमेंट उनको आते वही करेंगे। जैसे दीवार पे गोबर लगाते ना वैसे ही मोमेंट है। तो ये देखो, रीटेक नहीं होना चाहिए, ठीक है? वन टू कट कट कट। वेरी गुड, बहुत अच्छा किया सर। क्या रे, इसके पहले क्या हुआ था? आर्टिस्ट का बॉडी लैंग्वेज समझो, उसके बाद डांस कंपोज करो। ये सब डायरेक्टर ने बताया नहीं था क्या? अरे प्रसाद। हाँ सर। ये सब अब तुम लोग देख लो। हाँ जी सर। सर इस लोकेशन का आपका काम खत्म हो चुका है, शिफ्टिंग तक मेकअप रूम में जाकर आप आराम कीजिए। ओके संभावना, चलो मेरे सर। सर सर सर, अभी इसके कुछ शॉट बाकी है, कल कर सकते हैं ना? लेकिन सर कल तो इसे टूट जाएगा। चुपिट, पहले इसको ही निकालना पड़ेगा। आपने आपको एक्टर समझ रहा है तो? क्या सेट निकाल रहे हैं, उससे अच्छा इसे ही निकाल दो। फॉरेन शेड्यूल को अवॉइड कर रहे हैं हम लोग। सर वो नया है सर। ए जा रहे यहाँ से, जा चल निकल। ये प्रसाद बहुत बुरा हाल कर रहा है मेरा, इसे रेमुनेशन ज्यादा है और डायरेक्शन कम है। वेलकम मिस्टर फाइव स्टार राम कुमार, आप जैसे बड़े स्टार को इतने पास से देख सकूंगा ऐसा सोचा नहीं। मुझे मिलने के लिए इतने एक्शन सीन करने की क्या जरूरत है, मेरे फैंस बहुत हैं लेकिन ऐसे फैंस कम हैं। ओके देख लिया ना, अब मैं चलता हूँ। आपने पूछा नहीं मैं कौन हूँ। तुमने ही कहा ना फैन हो। नहीं। फिर गेस करो। सॉरी आई कांट। जीना भाई। शिट, फिल्म एक्टर राम कुमार को किडनैप करना है काम किसका है? गॉड डैम फोन। डीसीपी दिनेश यार। जीना ऑन द लाइन, आपका फाइव स्टार राम कुमार मेरे पास है, लो बात करो। सर यहाँ मेरी हालत बहुत खराब है सर, यहाँ पर टचअप करने के लिए कोई बॉय भी नहीं है सर। सर आपको कुछ करना चाहिए। सुना ना जिन्ना,
जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनो। चुप, जो मैं कह रहा हूँ वो सुनो। फिलहाल तुम अपना डिपार्टमेंट बंद करके रख दो। कुछ भी एक्स्ट्रा किया तो ये फाइव स्टार नहीं रहेगा। मेरी बात नहीं मानी तो नाकाबंदी लगवाऊंगा, सर्च करके ढूंढ निकालूंगा। राम कुमार को छोड़ दो। इसे भी छोड़ दूंगा। मुझे मेरे भाई का कातिल मिलने के बाद। टीना प्लीज प्लीज वेट वेट। टीना को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। ए हीरो डायलॉग बोल। आपने बहुत अच्छा बोला सर। सर अगर आपका भाई नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे सर? तुझे मार डालूंगा। क्या जी आजी बड़े धीरे धीरे चल रहे हो हाँ? ए मधु ऑफिस नहीं जाना है क्या हाँ? नहीं मामा जी। ठीक है, हम शादी कब करेंगे? अभी नहीं मामा जी, पहले प्यार तो होने दीजिए। काट डालूंगा। बाप और बेटी मिलके नाटक कर रहे हो क्या? ए बक्षी, ए बक्षी, बक्षी क्या क्या बक्षी? ऊपर से ढकल दिए ढकल नहीं आई। ए क्या फीलिंग फीलिंग क्या डायरेक्ट शादी। चलो चलो चलो। मुझे मारोगे? मैंने बैंक में एक फोन कर दिया ना तो रास्ते पर आ जाओगे तुम लोग। तुम क्या फोन करोगे? मेरे भाई ने बैंक की लोन क्लियर कर दी है। अगर ऐसी ही पागल जैसी हरकतें की ना तो तुम्हें चप्पल से मारूं। अरे बहुत अकड़ रही है तू। दुर्गा छोड़ छोड़ दुर्गा। मामला क्या है? देखो श्रीनु, ये हमारा फैमिली मैटर है, तुम इस बीच में मत आओ। क्या रे, तुम्हारा फैमिली मैटर है? ये हमारा होने वाला दामाद है। सुना तुमने, अगर दोबारा यहाँ पे दिखा ना तो नसबंदी करवा दूंगा। चल निकल यहाँ से। ये सब क्या हो रहा है? सपने टीचे धोखा रखो जाओ। ए रागे बीच में क्यों खड़ा है? टाइम पास मत कर। ये ले मटका भर के रख। अरे तो यार मैं क्या करूं, मैं अपनी जिंदगी जी लूंगा, मुझे जाने दो। भाई की फ्लाइट में चलने था, सब करना पड़ेगा। हम दुबई जाएंगे। सोचा क्यों नहीं? उस पटनायक ने हम पे पुलिस केस करके मुंबई से हैदराबाद लाया। हम यहाँ से पीछे ही जा सकते हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं। डिप्रेस में तो रखी। क्या डिप्रेस होंगे? शिनू हैदराबाद का ही है ना, वही कोई रास्ता निकालेगा। हाँ रास्ता। हमारे जाते ही हमें एक पेट्रोल का बाइल देगा और नारियल के कवर देगा। एक नारियल दे रहे किस लिए साहब? मेरे सर पे रखने के लिए। ये देखो अभी की बात है, रामकृष्ण गैंग को अभी भेजा था, खींच खींच के उसके हाथ दुखने लगे, ऐसे उसका फोन आया था। ए रुको 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 जा। ये देखो मेरे लिए पैसे बहुत जरूरी नहीं है, रिलेशनशिप जरूरी है। कोई और होता तो उससे लाख रुपए लेता, लेकिन ये मुन्ना का मुंह देखकर मैंने 75,000 रुप। बख्शी जी, बाला जी, ये भाई। क्या हुआ यार, ये सब क्या झगड़ा है? मार रहे हैं लोग। ए कौन हो तुम, कौन हो तुम? इसने हमें मुंबई में फंसाया है सर। मुंबई में किया ना, यहाँ तो नहीं किया ना। दूंगा दुर्गा इनको यहाँ से जाने के लिए बोल। चलो भागो यहाँ से। अगर पुलिस वाले ऐसा करेंगे तो हम। ये शिनू का फोटो यहाँ कैसे? ये हमारा दोस्त है, पता नहीं कहाँ है। क्यों सर, आपको पता ही कहाँ है? पता है, अच्छी तरह से पता है। हमारे सीए साहब को तो वो बहुत अच्छी तरह से जानता है, वो तो पकड़ा ही है। हेलो बख्शी जी, शिनू दुबई शिनू। हाँ बोलो शिनू। क्या रे, दादाजी को तो छोड़ने वाला है क्या? अरे हमको थोड़े बिजनेस से टेंशन है। अरे तेरी इतनी अच्छी नौकरी है तो खाली फुकट में बिजनेस गुंडों के साथ करता है? ठीक, आधे घंटे में दादाजी को मेरे हवाले कर दे, समझा गया? नहीं नहीं छोड़ूंगा। नहीं तो तेरा कच्चंबर। मेरे कहने का वो मतलब नहीं था, आधा घंटा नहीं, एक घंटा, एक घंटे भर में। बाबा जी यही है, यही घर है। कितने लोग रहते हैं यहाँ? पांच लोग। अपना लक्की नंबर है। ये देखो तुमने मुझे बिजनेस दिया है ना, तुम्हारा 50% का हिस्सा। काम खत्म होने के बाद मिलता हूँ। किसी से नहीं मिलोगे। क्यों? इतना पैसा देखने के बाद तुम हमें थोड़ी याद रखोगे? बख्शी जी मैं कैसा आदमी हूँ तुम्हें पता है ना? ओके 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 भाई। छूकर मेरे मन को किया तूने। वहाँ क्या रुके दादाजी, इधर आओ। आप कहाँ जा रहा है पलट के? आ जा मेरे पास तो आ जा। आप लोग भी दूसरों की तरह धोखा खा गए। मैं दादाजी नहीं हूँ। मतलब? नेताजी। नेताजी मतलब? मैं और दादाजी दोनों जुड़वा भाई हैं। मैं पॉजिटिव हूँ और नेगेटिव है। बैठू क्या है? हाँ बैठो बैठो। थैंक्स भाइयों। वो दुबई दिखाने के बहाने सबको दगा देता है और मैं सबको ईमानदारी से दुबई भेजता हूँ। आप भी क्या सेम बिजनेस में है नेताजी? हाँ भाई, मैं तुम सबको दुबई भेजूंगा रामकृष्ण भाई। मेरा नाम रामकृष्ण है, ये कैसे पता चला? बाप जी ने बताया था। बख्शे। मेरे भाई को 75,000 दिए थे ना, मुझे 50,000 दे दो, मैं दुबई भेज देता हूँ। तेरे भाई को पैसा दिया, तेरे को कैसे मालूम? उसका वो फिक्स रेट है। अरे समझ गया, ये दादाजी नहीं है नेताजी है। हाँ सही समझा। ठीक है चलो बैठ। आपको बड़ी जल्दी है, अरे आप हमें दुबई भेज रहे हैं तो फिर आप हमारे साथ बियर बैठ के पी सकते हैं, क्यों राम जी? ठीक है चलो पीता हूं। हमको दुबई ले जाओगे ना? हाँ लेके जाऊंगा, कोई डाउट है क्या? इसका मतलब ये दादाजी कितना नीच कमीना कुत्ता है, ठीक है ना भाई? हाँ हाँ क्यों नहीं, वो जो काम करेगा भगवान उसकी सजा उसको देगा। इतना सेम टू सेम है, मैं कैसे बताऊँ?
अरे बहुत सिंपल है, थोड़ी देर के लिए उनको दादाजी समझो, है क्यों? ठीक है ना, ऐसा दारू पीने का मजा होता तो अच्छा होता। मतलब कि आपने मान लिया ना? ओ यस, अब समझ गया ना, यही है दादाजी। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। अपने भाई नेताजी से मिले आप? वो कैसा है? बिल्कुल आपकी तरह है, लेकिन वो भगवान है, आप जैसे कभी ना नहीं। क्यों दादाजी, हमको दुबई भेजेंगे करके बंबई में लटका दिया है? दुबई शुरू टाइटल को जस्टिफाई करने का मौका ही नहीं दिया। नेताजी की दया से दादाजी पर गुस्सा निकाला है। धन्यवाद, मैं चलता हूं। दादाजी का छोटा तो हो गया है, अब नेताजी का मतलब और मारोगे? अरे दादाजी को छूट का है, पर नेताजी हमको दुबई लेकर जाने वाले हैं। ठीक है भाई, घबराओ मत, हम आपका अभिषेक करेंगे। अभिषेक मतलब? अभिषेक करने के लिए अभी दूध मिलना मुश्किल है भाई, मैं चलता हूं। अभिषेक दूध वाला अभिषेक नहीं है। फिर नेताजी बुला रहे हैं आपको? अभिषेक बहुत अच्छा हुआ। अरे बाप रे, हो गया अभिषेक, बहुत अच्छा हुआ। सुपर, यानी अभी मैं जा सकता हूँ? हाँ जाइए ना, आप ही देर कर रहे हैं। अभी कोई मारने वाला नहीं है ना? अरे मारने का प्रोग्राम नहीं है नेताजी, आप जा सकते हैं। पक्का है ना? पक्का। चलो, अरे जाओ जाओ, अरे जाओ जाओ। बॉडी को अंदर पंदर कर दिया। अरे दादाजी, दादाजी को बुलाया तो तुम क्यों घूमे? अभी तक कैरेक्टर कर रहा था ना, इसलिए इन्वॉल्व हो गया था। अब आग तुझे ढूंढेगी। अगर तू भाग सकता है यहाँ से तो भाग जा, अगर भाग नहीं सकता है तो जलकर खाक हो जाएगा तू यहाँ पर, सोच ले। लगता है मुझे दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे ये लोग। मामा भांजी जैसा रिश्ता है इन दोनों का, शुभ कार्य है ना? शीनू को इसीलिए यहाँ बुलाया गया है। क्या बात जीजा जी, बुलाया आपने? बख्शी तुम इधर आओ। आओ सर 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 सर। रुक गया, तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हारा शादी का योग नहीं है, मैंने उस दिन तुमसे कहा भी था आज इन दोनों की शादी होने जा रही है। ये 9 to 9 शास्त्री का भविष्य, मतलब जो कह दिया वो टल नहीं सकता, समझे? बख्शी को आप पहले से जानते हैं? मेरी मधु का इनसे रिश्ता तय हुआ है, ये शुभ कार्य शीघ्र ही होने वाला है। हर रिश्ते को बाजू में रखकर इनका कोई नहीं है, ये सोचकर इस लड़की से जबरदस्ती शादी करना चाहता था। अगले जन्म में ये राक्षस बन के पैदा होगा, ये मैं कह देता हूँ, मैं दरिद्र बन जाएगा ये। तुमने हाथ दे के बोला, मैंने तो वैसे ही बता दिया। मिस्टर बख्शी सर, जो हो गया सो हो गया, अभी हम सब लोग इनको आशीर्वाद देकर इन दोनों की शादी कराएंगे। ठीक है सर। अटेंशन प्लीज, मुहूर्त अनाउंस कर रहा हूँ। स्वस्ति श्री चंद्रमा बहुल पंचमी शुक्रवार की सुबह 5:40 का दिव्य मुहूर्त निकलता है। सब हो गया, अब क्या करूँ? अब कुछ भी मत करो, जाकर बढ़िया से मंडप सजाओ, अगर मंडप ठीक से नहीं सजाना तो थप। रामकुमार को किडनैप करने की वजह से उनके फैंस ने सब जगह रास्ता रोको आंदोलन शुरू कर दिया है। हीरो, सब तेरे फैंस हैं। सर, वो लोग आक्रोश में आकर बात कर रहे हैं सर, मैं आपकी कस्टडी में, उनको पता नहीं है मैं कितनी डेंजर स्थिति में, आपको पता नहीं है सर। हैं? मैं यहाँ सबके सामने आज अपनी आहुति दे दूंगा, मैं जल जाऊंगा, मुझे छोड़ दो, मैं जल जाऊंगा। क्या कर रहा है? जीना भाई काउंट डाउन, जीना भाई काउंट डाउन। सर आप कुछ कीजिए सर, नहीं तो वो जल जाएगा। हम कुमार, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि हम लोग कौन है। जीना भाई, ये पुलिस वाला मुंह बंद कर क्यों आया है? डर मत, तेरा जो काम था हो गया है, आराम से कहा। सॉरी हाँ, जिन्ना भाई तुम मुझे मारने वाले थे इसलिए मैं भाग रहा था, उसने ऐसा क्यों किया मुझे पता नहीं। बोल कादिर, सच में मुझे नहीं पता। सिनेमा में तो इतना वायलेंस नहीं रहता है, ये यही पास में रहकर कर रहा है, कौन है ये? मुझे, मेरी कोई गलती नहीं जिन्ना भाई, छोड़ दो मुझे। कादर भाई, मैं अजीज बात कर रहा हूँ, मैं जीना भाई के पास गया ही नहीं, बीच में ही किसी ने मुझे मारकर पैसे ले लिए, ये बात ना आप कैसे भी करके संपर्क करके जीना भाई को बता देना, वो जीना भाई को मारने वाला है भाई।
अजीज जीना भाई, वो कहाँ है? साले तूने मेरे भाई को मारा है, तू कहाँ है? मैं इधर ही हूँ मेरे लॉर्ड। साला तू किससे बात कर रहा है पता है? तुम्हें तो उससे भी भयंकर मौत दूंगा बे। तूने मेरे दोस्त और मेरी बहन को मारा है, तेरी मौत मेरे हाथों से होगी, ये पक्का है। देख, मुझे मारने की तुझे इतनी जल्दी पड़ी है? कहाँ है तू, कहाँ है तू? अगर तू मर्द है ना, तू और तेरा भाई अगर एक ही बाप की औलाद है, मैं जहाँ पर हूँ मैं बताता हूँ, नहीं तो तू कहाँ पर है मुझे बता, मैं वहाँ पर आता हूँ, भज्जिया भज्जिया उड़ा दूंगा तेरे। क्या हुआ जिंदा भाई? अभी कुछ हुआ नहीं, उसकी मौत उसे बुला रही है, ये बात वो जानता नहीं, इसलिए मुझे वहाँ बुलाकर मारने का चैलेंज कर रहा है। तो फिर उसको यहाँ बुला लो। उसके एक फोन से हम सब पुलिस का शिकार हो जाएंगे, उससे अच्छा है हम सब उसे ढूंढते हैं और वहीं मार डालते हैं। अरे क्या कहा? देख क्या कहा, एक बार फिर से कह दो प्लीज। अरे पकड़ा होगा कह रहा था। ओ भाई, आप इसी को ही ढूंढ रहे थे ना? डीसीपी हियर। डीसीपी, मेरे भाई को मारने वाला और कोई नहीं, तेरा साला शीनू है। राम कुमार जिंदा चाहिए तो मेरा पैसा लेकर तुम्हारे भाई को मेरे पास भेज दो। कहाँ आना है, कैसे आना है, मैं बताऊंगा। हेलो हेलो हेलो, क्या सर आप भी हमारे डायरेक्टर की तरह सोच विचार कर रहे हैं? वो क्या मेरे सगे वाला है जो यहाँ चला आएगा? वो आएगा तेरे लिए नहीं, मेरे लिए। अगर किसी ने किसी को मारा तो तुमने जाके उसके भाई को मारा, अब उसने तुम्हें कुछ किया तो? जब मैं दुबई जा रहा था तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था, मुझे कितना एक्स्ट्रा दोगे? लेकिन उन्होंने अपना सब कुछ मुझे दे दिया और जीना ने उन लोगों को मेरे सामने मारा और मैं कुछ नहीं कर पाया। उनको पकड़ने के लिए और सजा देने के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, तुम क्यों बीच में आए? क्या किया तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट ने? सिर्फ ये सेल फोन और पिस्टल लेकर यहाँ वहाँ घूमने के सिवा और कुछ किया है क्या? उसने इसके भाई जैसे दोस्त को खत्म कर दिया, वो भी इसके आंखों के सामने। सीनू बेटा, अब तक तुम्हें मैं कितना गलत समझती थी, तुमने अपने दोस्त के लिए इतना कुछ किया, मैं तुझे कितना गलत समझती थी, लेकिन आज तुझे कोई नहीं रोक सकेगा। नानी माँ, तुम्हें कुछ नहीं पता, चुप बैठो। क्या पता चलना चाहिए? पुलिस वाले उस गुंडे को मारेगा तो उसे इनाम मिलेगा, लेकिन ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि तुम पुलिस हो। अरे सीनू, उस बदमाश को तुम मार डालो, मैं काली मंदिर में नारियल फोड़ूंगी। हाँ भैया, सीनू को वहाँ पर भेज दो तो उनका पंजाबी पराठा बन जाएगा। सीनू, यू नो एवरीथिंग वेरी वेल, तू मेरा कदम सोच समझ कर डालो, उसके कब्जे में रामकुमार है, संभल कर जाना। हेलो, मुझे मिलने के लिए तुझे बहुत जल्दी है ना? गुड, जरा ट्रैक के साइड देख, ट्रेन स्टेशन से निकल रही है, तू उसे पकड़ ले, करेक्ट 4 स्टेशन के बाद तू उतर जाना, तेरे उतरते ही प्लेटफॉर्म के फोन में रिंग बजेगी, यू गेट ओनली 3 मिनट्स, सिर्फ 3 मिनट मिलेंगे, ओके? तुम कहते हो 3 रिंग दोगे, वो फोन नहीं उठाया तो? गुड क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन के लिए तुम नहीं रहोगे। हेलो, रियल गेम अब शुरू होगा। स्टेशन के बाहर एक कच्ची सड़क दिखाई दे रही है, उसे फॉलो करो और भागते हुए आना, दूरी 10 किलोमीटर और तुम्हारे पास टाइम है सिर्फ 10 मिनट। नो डाउट गुरुजी, तुम हमारे प्रसाद जैसे नहीं हो, 10 मिनट और 10 किलोमीटर इतने कम टाइम में वो कैसे भाग सकता है? ऐसा तो सिनेमा में भी नहीं होता, और वो पब्लिक। फिर तो तेरा बचना भी नामुमकिन है। हाँ ठीक है बॉस।
भाई ये मेरे पास है, वो तुम्हें कुछ नहीं कर सकेगा। गुस्सा हो ना, मार डालो उसे, मेरी लाइन क्लियर हो जाएगी। मेरी आंखों के सामने मेरे भाई को मारा, अब तेरी आंखों के सामने तेरी माशुका को मारता हूं। जीना भाई, मधु मुझे चाहिए, इसे कुछ मत करना प्लीज। मधु, अभी अभी क्या करेगा? क्या ये कर पाएगा? एक नया गेम होगा। रेडी? आई एम नॉट रेडी। ड्रॉप द गन। वाह, मैंने सोचा था तुम आ नहीं पाओगे। बाप रे, अब मुझे यहाँ से निकल लेना चाहिए। तुम कौन हो? ऐसे चेहरा छुपा के क्यों घूम रहे हो? पहचान लोगे इसलिए। तुमको लेजेंड हो या सेलिब्रिटी हो जो पहचान लिया जाओगे? सर, आप ही होंगे अपने घर के। पांचकोटा पुलिस स्टेशन इंचार्ज इंस्पेक्टर बाप जी को सब लोग जानते हैं। पुलिस? हाँ। तुम एक पुलिस ऑफिसर होकर विलन का सपोर्ट कर रहे हो? ठहरो, मैं मीडिया वालों के सामने बताता हूँ। मैं बहुत गधा हूँ, मैं सब कुछ बता दिया। आज स्वतंत्रता दिन है, सभी कैदियों को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब सुपरस्टार रामकुमार झंडा वंदन करने के लिए आए, उनसे ऐसी विनती। बैठिए बैठिए बैठिए। ओके। आप लोगों ने और पुलिस वालों ने मेरी बहुत हिफाजत की है। रामकुमार होने के लिए मुझे बहुत साल लग गए हैं, लेकिन मेरे फैंस ने मुझे फिर से जिंदा किया है। आप सबको पता है मैं कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गया था। अब तक तो मेरा खेल खत्म हो गया होता, मगर मुझे फिर से जिंदगी देने वाले मेरे प्राणदाता, प्लीज स्टेज पर आइए। पुलिस डिपार्टमेंट
डिपार्टमेंट जो काम नहीं कर सकी वो आपने कर दिखाया और आपको पुलिस डिपार्टमेंट ने पुलिस बनाकर अच्छा काम किया है। आओ झंडा वंदन करते हैं। अरे सर मैं नहीं कर सकता सर, सेलिब्रिटी आप हैं, आपकी जगह। नो, यू आर द रियल सेलिब्रिटी, यू आर द रियल हीरो, कम ऑन प्लीज माय बॉय प्लीज। येलो ए इधर मिस्टर बख्शी, सडनली बूढ़े हो गया, क्या हो गया? हाँ वही कमीना है सर, अपने पापों की सजा भुगत रहा है यहाँ पर। ज्यादा मुझसे आप पंगा लिया ना तो यहीं पर तोड़कर रख दूंगा। सॉरी दुर्गा साहब, एक बात पूछूं, मधु कैसी है? मधु मधु क्या कर रहा है? मिसेज मधुमती श्रीनिवास यानी दुबई से नू। सर जरा आखिरी बार इसे भी कोई सबक सिखा दीजिए। कचुंबर, कचुंबर बना दूंगा।